The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. आनंदो हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। बहुत लंबी कहानी है, खून से समुंदर को लाल कर देने वाली कहानी। हमारे देवरा की कहानी खोके सामने है। ना जात ना धर्म, धन जरा सा भी नहीं। जिन आंखों ने धैर्य के सिवा कुछ नहीं देखा था, आज पहली बार डर से भरी हुई थी। आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। जब तक तू यहां है, हम तेरा काम आने के लिए देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय, सही हथियार भी मिलना चाहिए। अगर काम में गया तो काम होते ही लौटा था। वो अपनी सिद्ध पूरी करने गया है। जो मैंने समंदर के अंदर देखा वो अभी भी मेरी। गाइस, जूनियर एनटीआर की सेकंड पैन इंडिया फिल्म देवरा पार्ट 1 रिलीज हो चुकी है, पर अब ऐसा हुआ क्या कि देवरा पार्ट 2 आने की पॉसिबिलिटी ही कम दिखाई दे रही है। क्या बात कर रहे हैं? तो दरअसल शोले के उस जेलर का जो डायलॉग है ना, आधे इधर आधे उधर, ऐसा ही कुछ नजारा देवरा को लेकर भी अभी दिखाई दे रहा है। एंड ऐसा सब कुछ हमें ऑडियंस के कॉमेंट्स ने तो बताया, तो इसमें जो लोग सुबह सुबह फिल्म देवरा देखने गए उनकी तो नींदें उड़ी गई। और ऐसे विजुअल्स, वाओ परफॉर्मेंसेस, ऐसा हॉलीवुड लेवल का एक्शन देखकर कानों से धुआं निकलने लगा। एंड आपको पता है, इसमें विलन बने सैफ अली खान को भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। वैसे सैफ के कानों तक अगर ये कमेंट्स पहुंच जाए तो उनका बस एक ही रिएक्शन होगा, ओ वाओ, इनकम्प्लीट सैफ स्टाइल। वैसे फिल्म देखने के बाद कुछ लोग थिएटर्स के बाहर नारा लगा रहे थे, पर कमेंट्स में भी लोगों ने नारे लगाए कि मैन ऑफ मासेस, इस टैग को जूनियर एनटीआर से कभी कोई छीन ही नहीं सकता, एंड अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? अरे भाई, कॉपीराइट इशू आएगा ना। पर इतनी अच्छी तारीफें सुनने के बाद अब ऐसा क्या हुआ कि देवरा पार्ट 2 को लेकर कोई स्कोप नहीं दिख रहा? ऐसा भी क्या हो गया भाई? दरअसल ट्विटर हैंडल पर कुछ कमेंट्स किए गए फिल्म देखने के बाद, जिसमें एक बंदे ने कहा कि देवरा और वारा नाम की दो कैरेक्टर्स जूनियर एनटीआर ने इसमें प्ले किए, जिसमें से वारा नाम के कैरेक्टर को बहुत पुअरली लिखा गया, मतलब उसके लिए तो कोई ज्यादा टाइम ही नहीं लगा होगा। वहीं देवरा का कैरेक्टर काफी अच्छा था, बट ये इमोशनली कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं पीछे रह गया, जिसके चलते इस फिल्म को फैंस ने 1.75 out of 5 रेटिंग दी और कहा कि भाई, देवरा 2 के लिए उसे कोई तो कोई स्कोप दिखाई नहीं पड़ रहा। इतना ही नहीं बल्कि रेटिंग देने के साथ साथ फर्स्ट हाफ को इसने लो ग्रेड भी बताया एंड सेकेंड हाफ को आउटडेटेड। एंड डायरेक्टर कोर्तला सिवा की ये फिल्म इस बंदे को उनकी पिछली फिल्म आचार्य से भी वीक दिखाई दी। एंड ये कमेंट पढ़ने के बाद हमें तो चक्कर ही आ गया भाई। पर ओवरऑल बंदा यही कहना की कोशिश कर रहा है कि डांस एंड कुछ एक्शन को छोड़कर उसे बाकी कुछ उतना अच्छा ही नहीं लगा। वैसे
बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट तो अच्छा है, बट लास्ट मिनट तक आते आते जब इस सीक्वल के लिए एक सेटअप बिल्ड करने की कोशिश करती है तो वहां पर उन्हें थोड़ा सा यू नो अंडरवेलमिंग लगा। मतलब देवरा से जो एक्सपेक्टेशंस लोग लगा के बैठे थे वैसे उन्हें कोई काम इसमें नहीं दिखने को पड़ा। वैसे एक बंदा तो ये भी कहने लगा कि सेकेंड हाफ इतना लंबा और डल है कि वो अपनी घड़ी के दौड़ने का इंतजार कर रहा था, पर वो भी बेचारी दौड़ नहीं पा रही थी एंड क्लाइमेक्स भी काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वहीं कुछ ऑडियंस ने कमेंट्स में ये भी बताया कि फिल्म जरूर देखनी चाहिए, पैसा वेस्ट तो नहीं होगा, आप एंटरटेन जरूर होंगे, पर इस फिल्म में बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, तो फुल मार्क्स देने वाला वो काम इसमें नहीं हुआ। वेल अब जितने लोग उतने ओपिनियंस, वैसे कुछ कमी तो रह गई है इसमें डेफिनेटली, पर ओवरऑल हमें तो फिल्म अच्छी लगी। वैसे आपने देखी कि नहीं एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। ये करने की हिम्मत की तो 50 करोड़ की देवरा के डगमगाते बज ने बढ़ाया ब्लड प्रेशर, जिसके चलते मेकर्स ने चली अब एक चाल, प्रमोशन में शामिल करवाए दो रिकॉर्ड मेकर डायरेक्टर्स। क्या उससे 100% बढ़ जाएगा इसका बज? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है पॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। पैन इंडिया सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म देवरा के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि फिल्म 27 सितंबर को आ रही है और इस फिल्म के मेकर्स अब दूरबीन लगाकर फिल्म के बज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बज नीचे आना इसका मतलब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना। वैसे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, क्योंकि 10 सितंबर को जो इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था उसे बढ़िया रिस्पांस तो मिला, 24 घंटे में 55 मिलियन व्यूज हासिल हुए और एनटीआर ने अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म RRR के ट्रेलर को व्यूज को पीछे छोड़ दिया, जिसे 52 मिलियन व्यूज मिले थे। पर बात यह है कि देवरा के ट्रेलर को उतना रिस्पांस नहीं मिला जितना मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और कुछ लोगों को वो पसंद भी नहीं आया। तो अब मेकर्स की ये स्ट्रेटजी है कि एक और ट्रेलर रिलीज किया जाए और ये ट्रेलर 22 सितंबर को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में लॉन्च किया जाएगा और ये एक तरह का प्रमोशन ही होगा। और आपको पता है इस प्रमोशन में SS राजामौली और प्रशांत नील जैसी बड़ी हस्तियां भी शामिल होने वाली हैं, यानी ऐसे दो लोग जो इंडियन सिनेमा में 1000 करोड़ की फिल्म दे चुके हैं और इंडियन सिनेमा को प्राउड फील करवाया है और जिनका फैन बेस एक्टर की तरह दिन पर दिन क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। चलो अच्छा है, NTR जो देवरा को लेकर इतने टेंशन में है, उनकी टेंशन दूर करने के लिए दो लोग मदद करेंगे और खास करके जहाँ जहाँ राजामौली अटेंडेंस लगवाते हैं किसी प्रमोशन में, वहाँ उस फिल्म का बस तो 100% बढ़ ही जाता है। जैसे कि प्रभास की सालार के प्रमोशन में वो शामिल थे, रणबीर की ब्रह्मास्त्र में वो शामिल थे और अब देवरा में होंगे, तो इसी बहाने लोग भी देवरा को क्रेजी तरीके से अपना अटेंशन देंगे। वैसे अभी ऐसा भी कहा जा रहा है कि NTR की देवरा के लिए स्पेशल शो भी रखे जाएंगे, वो भी रात 1 बजे। क्या बात है, मतलब फैंस अपना खाना वाना भूल कर नींद हराम करके बस फिल्म के लिए ही तैयार रहेंगे। वैसे फैंस तो कब के तैयार ही हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के शहर अनंतापुरा में इस वक्त फिल्म के रिलीज से पहले ही जश्न मनाया जा रहा है। जूनियर NTR का एक बड़ा सा कटआउट, तकरीबन 50 फीट का कटआउट लगवा कर उस पर दूध से अभिषेक किया जा रहा है और लाल रंग पानी से भी अभिषेक किया जा रहा है, और लाल रंग भी इसलिए क्योंकि इस फिल्म में जूनियर NTR खून खराबा करेंगे, तो उस वजह से लाल रंग इस्तेमाल किया गया है। और जूनियर NTR ने जो काला कुर्ता काली लुंगी पहनकर अपना लुक दिखाया है देवरा में, वैसा ही सेम गेटअप करके एक फैन रस्ते पर नाच रहा था और गाने लगाकर डांस कर रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि जूनियर NTR नाम का कोई नया फेस्टिवल ही मार्केट में आ चुका है, जिस तरह से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फैंस तो रेडी हैं, बस उन्हें अब ये समझने की देरी है कि एडवांस बुकिंग कब शुरू होगी। वैसे एडवांस बुकिंग 22 सितंबर या 23 सितंबर को शुरू हो सकती है और टिकट प्राइस भी काफी बढ़िया होगा, पर फैंस लोगों ने अपने पॉकेट मनी से पैसा सेव करके टिकट का बंदोबस्त किया ही होगा। तो अब देखते हैं कि एडवांस बुकिंग में देवरा कितने नंबर लाती है और फाइनली रिजल्ट के बाद कितने नंबर लाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज पे। धन्यवाद। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828855088.
करनी चाहिए देवरा। पांच कारण जो कर देंगे आपको देवरा की टिकट बुक करने के लिए मजबूर। तो क्या है वो पांच बड़ी वजह? देवरा अपने सॉन्ग्स को लेकर हाइप में बना हुआ है। इसी बीच मेकर्स ने ट्रेलर की डेट और टाइम की भी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें देवरा का ट्रेलर 10 सितंबर को 5:04 पर लॉन्च होगा, जिससे यकीनन इसकी प्री सेल्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसी वाइब दे रही है। इसे देखना चाहिए नहीं। इससे पहले देवरा ने अमेरिका में सबसे तेज 15,000 टिकट बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय फिल्म बनकर एक उपलब्धि हासिल की और इंडियन फिल्मों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। वही देवरा आपको क्यों देखनी चाहिए ट्रेलर इसकी भी पुष्टि करता है, जिसमें पांच कारण हैं। पहला कारण है रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड। जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा 1985 की आंध्र प्रदेश में हुई एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर बेस्ड है, जो करमचेदु नरसंहार में कम्मा यानी कि जमींदारों ने मढ़ीगा यानी 6 दलित को क्रूरता से मार डाला था, साथ ही कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए, घरों को जला दिया गया था और लूट लिया गया, साथ ही कुछ लोगों के साथ बलात्कार भी हुए। नंबर 2, इसका दूसरा कारण है एनटीआर जानवी की फ्रेश जोड़ी, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये हाई एनर्जेटिक जोड़ी का अंदाजा देवरा का न्यू ट्रैक दाऊदी देखकर पक्का हो जाता है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। गाने में जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की बेजोड़ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी जम रही है। इस गाने में जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर अपने डांस मूव से खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। फिल्म के इस गाने की कोरियोग्राफी भी काफी अलग है। तीसरा कारण है एनटीआर का डबल रोल। आजकल हर दूसरी फिल्म में डबल रोल देखने को मिलते रहते हैं, पर देवरा के डबल रोल में कुछ खास बात है, क्योंकि बीते दिनों फिल्म के मेकर्स ने एक पोस्टर लॉन्च किया जिसका टाइटल फेसेस ऑफ फियर दिया। इस पोस्टर में दो जूनियर एनटीआर अलग अलग एक्सप्रेशन देते दिखाई दे रहे और दोनों में ही डरावने और खतरनाक लग रहे हैं। इसका फोर्थ कारण है दो बॉलीवुड एक्टर्स का साउथ में डेब्यू। फिल्म के एक्टर्स भी हाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देवरा से बॉलीवुड के दो सितारे साउथ की फिल्मों में डेब्यू करेंगे, जिनमें जानवी कपूर और सैफ अली खान इंक्लूडेड हैं। जहां जानवी कपूर फिल्म में लीड रोल में है, तो वहीं सैफ अली खान फिल्म में विलन का किरदार निभाते नजर आएंगे। वैसे ही तो सैफ पहले भी कई फिल्मों में नेगेटिव रोल कर चुके, लेकिन ये पहली फिल्म है जब वे साउथ की फिल्म में डेब्यू करेंगे। इसका पांचवा सबसे अहम कारण है इसके सिनेमैटिक सीन्स, जो आज के समय की मांग है। बाहुबली, एनिमल, जवान, टाइगर, पठान, सलार, हॉलीवुड जैसी मूवीज देखने के बाद आज हर ऑडियंस को लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स के साथ लार्जर देन लाइफ सीन्स चाहिए होते हैं, और देवरा के मेकर्स अपने 3 घंटे 10 मिनट की फिल्म ड्यूरेशन में ये एक्सपीरियंस देने का वादा करते हैं। तो आप ये 5 रीजंस के वजह से देवरा देखने जा रहे हैं नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। गाइज आ चुका है फिल्म देवरा का तीसरा गाना, जिसका नाम है दाऊदी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये गाना शाम 5:04 पर आने वाला है, ऐसा बोला गया था, और मेकर्स अपनी जुबान के बड़े पक्के निकले। मतलब हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, और हम भी तो पहले से ही हेडफोन्स लेकर बैठे थे इस गाने को सुनने के लिए। तो 2:12 का ये गाना है, जिसमें फुल ऑन रॉक करते हुए नजर आ रहे हैं जूनियर एनटीआर और फिल्म की लीडिंग लेडी जानवी कपूर। मतलब कहां धीरे धीरे में ये लोग रोमांस करते हुए नजर आ रहे थे, अपनी केमिस्ट्री दिखाते हुए नजर आ रहे थे, और कहां इस गाने में बस अटकते मटकते पैर हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब मैन ऑफ मासेस जूनियर एनटीआर ने क्या रॉकिंग परफॉर्मेंस दिया है भाई, और उनके साथ जानवी कपूर भी एकदम मस्त कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मतलब ये गाना सुनने के बाद ये तो हम पक्का कह सकते हैं कि ये गाना रील्स पर तो चलेगा ही चलेगा, और गाने के लिरिक्स समझ में आए या फिर ना आए, पर हमारी नजरें तो बस इन दोनों के डांस के ऊपर टिकी हुई थी। और नाटू नाटू के बाद एनटीआर को फिर से एक बार डांस करते हुए देखना, मतलब सच में एक कमाल की फीलिंग आ रही थी। और ऊपर से जानवी कपूर ने कमाल किया है, मतलब फुल ऑन प्रिपेयर होकर उस फिल्म के लिए आई है, ऐसा लगता है उनसे ज्यादा उनकी बेली डांस कर रही है। और ऐसा भी फील हो रहा है कि मैडम जी ने बहुत ही अच्छा खासा डाइट किया है इस फिल्म के लिए, और इनके साथ साथ पीछे नजर आने वाले बैकग्राउंड डांसर्स भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, इन्हें भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे सबके साथ सबसे बढ़िया बात ये भी है दोस्तों कि इस गाने में आपको बहुत ही स्टर्निंग विजुअल्स, एक अच्छा खासा सेट देखने को मिलेगा, जैसे कि एक ब्रिज देखने को मिलेगा, फाउंटेन देखने को मिलेगा, खूबसूरत हरा भरा माहौल देखने को मिलेगा। और इस सबके पीछे प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर साबू सिरिल ने काम किया है, और ये वही महाशय हैं जिन्होंने राजामौली के बाहुबली के लिए इतने बड़े बड़े सेट्स बनवाए थे, तो इनकी इस क्रिएटिविटी के लिए भी एक हैट्स ऑफ बनता है। अब बात करते हैं गाने के म्यूजिक की, तो म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र का ये तीसरा गाना भी अब ब्लॉकबस्टर साबित होने वाला है, ऐसा लगता है, क्योंकि कमेंट्स में ऑडियंस बस हार्ट इमोजीज और फायर इमोजीज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
और हमने भी इसका इस्तेमाल किया। लगता है इस गाने ने सबका थोड़ा ज्यादा ही दिल जीत लिया है, पर सच में जूनियर एनटीआर की इस फिल्म के स्टैंडर्ड को मैच करे ऐसा ही काम अनिरुद्ध ने किया है। बाय द वे इस गाने के जो लिरिक्स है वो फिल्म के डायरेक्टर कुरताला शिवा ने लिखे हैं, मतलब इसका जो तेलुगु वर्जन है उसके लिरिक्स, और भले ही ये समझ में ना आए पर सुनते हुए तो काफी अच्छे लगते हैं। तो बेसिकली इस गाने को सुनकर और देखकर हमें तो बहुत ही मजा आया और हम तो रिपीट मोड पर भी चले गए थे। तो क्या आप भी रिपीट मोड पर गए? रिलीज से पहले ही देवरा की चांदी कुछ ही घंटे में बनाया रिकॉर्ड, जिसके चलते अब राजामौली की ट्रिपल आर भी होने वाली है उसके सामने फेल। तो अब ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बनाया देवरा ने? दरअसल रिलीज से पहले किसी फिल्म का रिकॉर्ड क्रिएट करना ये कोई नई बात तो है नहीं, मतलब इस पर अगर हम लोग ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं तो सोचो कि हमारे प्रभास कैसा रिएक्शन देंगे, क्योंकि उनके लिए तो एक रूटीन की बात ही हो गई ना। खैर, पर अगर किसी फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना तो बनता है। तो अब ये रिकॉर्ड वाली बात जुड़ी है फिल्म देवरा से, जो जूनियर एनटीआर की अपकमिंग सेकंड पैन इंडिया फिल्म है जो 27 सितंबर को रिलीज होने वाली है। और रिलीज से पहले ही प्री सेल्स के मामले में दरअसल देवरा काफी अच्छे नंबर्स ला रही है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में 23,000 से ज्यादा टिकट्स बिक चुकी हैं 900 शोज के लिए, और वहां पर अभी देवरा का प्री सेल कलेक्शन हो चुका है 6 करोड़। और जैसे कि अगस्त के एंडिंग में आते आते इस फिल्म की प्री सेलिंग वहां पर शुरू हुई है, तो ऐसे में बहुत कम टाइम में इस फिल्म की 15,000 से ज्यादा मतलब $500K टिकट्स यूनाइटेड स्टेट्स में बिक चुकी हैं, जिसकी वजह से इस मामले में देवरा को फास्टेस्ट इंडियन फिल्म कहा जा रहा है। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा तो $800K से भी ऊपर चला गया है, और इस फिल्म का ट्रेलर जो इस 10 सितंबर को आने वाला है उसके बाद ये आंकड़ा $1 मिलियन तक आराम से पहुंच जाएगा और उसे क्रॉस भी कर देगा। अब देखा जाए तो $1 मिलियन से भी ज्यादा प्री सेलिंग एनटीआर की लास्ट पैन इंडिया फिल्म ट्रिपल आर ने की थी, और ऐसा करने वाली एक लौटी इंडियन फिल्म थी तब कहा गया, पर इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया प्रभास की इसी साल रिलीज हुई फिल्म कल की 2898, जिसने US प्री सेल्स में $2.6 मिलियन का बिजनेस किया, और इसने तो कम वक्त में $1 मिलियन क्रॉस भी किए थे वो भी प्री सेल्स में। तो ऐसे ही इसने ट्रिपल आर को भी पीछे छोड़ दिया था, पर अब देखना यह है कि एनटीआर की देवरा ट्रिपल आर और साथ ही प्रभास की कल्कि को प्री सेल्स में कैसे पीछे खिसकाती है। वैसे US में 26 सितंबर को देवरा का प्रीमियर दिखाया जाएगा और 27 तारीख को हमें इंडिया में ये फिल्म देखने को मिलेगी। तो देखना ये है कि वहां पर ये फिल्म कितना कलेक्शन कर पाती है ओपनिंग डे पर। वैसे ट्रिपल आर ने ओपनिंग पर $4.5 मिलियन का कलेक्शन किया था, यानी तकरीबन 5 करोड़ का। तो अब देवरा क्या करती है ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे अभी वहां का तो पता नहीं, पर यहां का तो पता है, मतलब कि इंडिया का। और इसका ट्रेलर आने से पहले सब लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म पहले दिन 100 करोड़ तो आराम से कमाएगी, क्योंकि इस फिल्म के गाने, इस फिल्म का टीजर, इस फिल्म का हर एक प्रमोशनल कॉन्टेंट और प्रॉमिसिंग लगता है, जो कि हिट भी साबित हो चुका है। तो रिलीज से पहले देवरा काफी अच्छा बस तो क्रिएट कर ही चुकी है, ऐसे में आने वाले ट्रेलर तो इससे डेफिनेटली 2 एक्स्ट्रा चांदी लगाएंगे, जिसके चलते ये फिल्म आराम से 100 करोड़ कमा सकती है, क्योंकि नॉर्थ मार्केट में भी इसका बहुत अच्छा क्रेज है। ऊपर से जानवी कपूर और सैफ अली खान इस फिल्म में दिखाई देने वाले, तो उनके फैंस भी इस फिल्म के लिए अटेंडेंस लगाएंगे। तो ऐसे में माहौल तो बहुत क्रेजी है और नंबर्स भी बहुत क्रेजी होने वाले हैं ऐसा लगता है। वेल, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड्स टू। पैन इंडिया सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कोई तो आ रहा है। वैसे जूनियर एनटीआर का पता नहीं, पर उन्हें वॉर 2 की शूटिंग के दौरान एक होटल के बाहर पेपराजी ने जो परेशान किया उस पर वे जो आग बबूला हुए थे, वैसे ही आग बबूला फिल्म देवरा के मेकर्स होने वाले हैं, क्योंकि उनका प्लान फ्लॉप होने के डर उन्हें अब लग रहा है। तो ज्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए सीधा हम आपको काम की बात बताते हैं। दरअसल 27 सितंबर को फिल्म देवरा रिलीज होने वाली है, और उसी दिन तमिल सुपरस्टार कार्ती की फिल्म आ रही है जिसका नाम है मियाज हगन, और इसके मेकर्स ने एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें कार्ती एक बुल के साथ नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट जलीकट्टू का रेफरेंस दे रहे हैं, और ये स्पोर्ट तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। अरे बाहुबली में आपने देखा होगा ना कि बुल के सींग को पकड़कर कैसे उसे रोकने की कोशिश होती है, उसके पीठ पर बैठने की कोशिश होती है, कुछ वैसा ही इसमें भी होता है। खैर, पर हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि देवरा के साथ क्लैश होने वाला है। अब देवरा जूनियर एनटीआर के लिए उनका सेकंड पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, और ट्रिपल आर के बाद उन्हें एक और ब्लॉकबस्टर हिट देनी ही देनी है, पर ऐसे में कार्तिक का कॉम्पिटिशन उन्हें मिल चुका है। हाँ, हम जानते हैं कि जूनियर एनटीआर का एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है तेलुगु मार्केट में, और अब वे हिंदी में भी है,
अपना कदम अच्छे से बरकरार रखते हैं। ऐसे में उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पर बात यह है कि कार्तिक तमिल स्टार होने के बावजूद तेलुगु ऑडियंस में भी काफी पॉपुलर हैं, और ये सब शुरू हुआ एक फिल्म से। तो वो फिल्म थी कार्तिक की तमिल फिल्म पाया, जिसका तेलुगु वर्जन था फिल्म आवारा, और इसके बाद तेलुगु ऑडियंस ने उन्हें काफी सराहाया भी, उनकी एक्टिंग को सराहाया। फिर उनकी फिल्म आयरथिल ओरुवन और युगनी की ओकारू के तेलुगु वर्जन काफी हिट हुए थे, और उनकी फिल्म कैथी तो कार्तिक के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी, जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की कमाई की, जो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंडर बनाई गई थी। और इसने अगर तमिलनाडु में 50 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वहीं तेलुगु स्टेट्स में 15 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, और तेलुगु स्टेट्स में एक हाईएस्ट ग्रॉस फिल्म बनी थी। तो कार्तिक को भी तेलुगु ऑडियंस में काफी पसंद किया जाता है, नो डाउट। हाँ, पर हम जानते हैं कि जूनियर एनटीआर के सामने ये पॉपुलैरिटी कम ही पड़ सकती है, क्योंकि जूनियर एनटीआर के लिए तेलुगु ये उनका रीजनल मार्केट है, यानी उनका अपना घर है। डेफिनेटली नुकसान तो उतना ही होगा, पर कंपटीशन मिलने की वजह से फिर स्क्रीन्स पर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, और देवरा के मेकर्स कब से एक अच्छा रिलीज डेट की तलाश में है, और वह अब उन्हें मिली थी भी, पर उसमें भी ये सब, इसलिए मूड तो खराब होगा ही ना। वैसे देवरा के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स 50 करोड़ में करण जौहर ने खरीदे हैं, और अब थिएट्रिकल राइट्स बिजनेस भी 250 करोड़ हो चुका है। तो वैसे में उन्होंने अपना 250 करोड़ का बजट तो वसूल कर लिया, पर अब बस बजट वसूल नहीं करना, बल्कि 1000 करोड़ कमाने भी तो हैं, तो ये काफी तो नहीं है। खैर, इसका जो होगा वो 27 तारीख को पता चलेगा। वैसे इस फिल्म की कहानी को लेकर ऑडियंस बड़ी एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए, क्योंकि इसमें जूनियर एनटीआर समंदर के किनारे बसे 10 गांवों की रक्षा के किरदार में नजर आएंगे। इन गांवों में बहुत सारा खजाना है, और करीब 10,000 बंदूकों से लैश नकाबपोश लुटेरे इस खजाने को लूटने आएंगे, और इन्ही लुटेरों से जूनियर एनटीआर का पाला पड़ेगा, और फिर बहेगी खून की नैया। वैसे ये और भी बहुत कुछ है इसमें, पर बात यह है कि स्पॉयलर्स ना मिले, इसलिए अब सिक्योरिटी टाइट कर दी है, क्योंकि बात इतनी सी है कि फिल्म जूनियर एनटीआर की है और आप एक्साइटेड हैं, विच इज आल्सो वेरी नेचुरल एंड ऑब्वियस, पर देखते हैं, अब पता चलेगा जब फिल्म की अपडेट्स बाहर आएंगी। तो आपको हमारी ये सारी टिप्पणियों पे कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड टिल देन कीप वॉचिंग। देवर और गेम चेंजर में है खास कनेक्शन। रामचरण और एनटीआर दोनों ही अपनी फिल्मों के लिए चर्चा में है। दोनों की फिल्मों में एक संयोग है कि दोनों की कहानी एक जैसी है। भले ही देवरा एक्शन ड्रामा और गेम चेंजर पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, लेकिन दोनों की कहानियों में दोनों ही सुपरस्टार डबल रोल में है, मतलब बाप और बेटे के किरदार दोनों ने खुद ही अपनी अपनी फिल्म में किए हैं। दोनों की कहानी में बेटा अपने बाप के एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने की कोशिश में है। दोनों ही कहानियों में बेटा अपने बाप के सपनों को पूरा करते हुए दिखाई देगा। हालांकि ये बस एक संयोग मात्र ही है, क्योंकि देवरा 2 पार्ट्स में रिलीज होगी, पर गेम चेंजर सिर्फ एक ही पार्ट में रिलीज होगी। दोनों की आखिरी बार 7RRR में देखा गया था, और दोनों की पॉपुलैरिटी टॉप नोच पर है, और ऐसे में किसी को बेस्ट और किसी को वर्स्ट कहना कोई सवाल ही नहीं उठता। दोनों की कहानी पर डिपेंड करता है कि ऑडियंस को पसंद एक्चुअल में क्या आएगा। गेम चेंजर में रामचरण की शूटिंग पूरी हो गई है, लेकिन देवरा में एनटीआर शूटिंग अभी भी कर रहे हैं। फिलहाल एक गाना शूट होने वाला है, जिसके लिए मेकर्स ने अलग स्ट्रेटजी निकाली है। देवरा जैसी कई फिल्म में अपनी स्टार कास्ट, लीक हुई डायलॉग्स और तस्वीरों की वजह से रिलीज से पहले ही सुर्खियां बटोर लेती हैं। ये चीजें अक्सर फैंस और फॉलोअर्स के बीच एक्साइटमेंट पैदा करती है। जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती, तब तक वे अनुमान लगाना मुश्किल है कि लीक असली है या फैन मेड है। जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है देवरा। इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कई चीजें पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। मेकर्स अब शूटिंग को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। कम क्रू मेंबर्स शूटिंग के दौरान फोन पर बैन, और एडिटिंग से पहले सभी फुटेज को इनक्रिप्ट करना। फिल्म का एक अहम डायलॉग हाल ही में लीक हुआ है, इस वजह से टीम ने सेट पर सिक्योरिटी चेक्स को काफी हद तक बढ़ा दिया है। उनकी पहली प्रायोरिटी प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी और सीक्रेसी सुनिश्चित करना है। वो एक ऐसा सिनेमाई एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है, जिसका ऑडियंस बिना किसी स्पॉइलर के आनंद ले सके। सेट पर यूनिक तरीके से सदस्यों की संख्या को बिल्कुल कम कर दिया है, और फुटेज को इनक्रिप्ट करके एडिटिंग के लिए भी भेज दिया गया है। जूनियर एनटीआर और जॉनी कपूर पर आधारित एक डांस मंगलवार को शाम 7 बजे एक विशेष सेट पर फिल्माया जाएगा। हाल ही में लीक के कारण इस सॉन्ग को बंद कमरे में शूट किया जाएगा। इसके अलावा शूटिंग के दिनों में सेट पर शख्स नो फोन नीति लागू कर जाएगा। ऐसा कहा गया कि ऐसा पहले भी टाइगर 3 और पठान में किया गया है।
एक्शन थ्रिलर फिल्म 27 सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। कोटाला सिवा द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान, जानवी कपूर, श्रुति मराठे, प्रकाश राज, श्रीकांत, शाइन टॉम, चौकी और नारायण है। फिल्म का निर्माण सुधाकर मिकलिने और कोसाजरू हरिकृष्णा ने युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स के बैनर तले किया है। आपको देवरा मेकर्स की स्ट्रेटेजी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन की वाली इस फिल्म का इंपैक्ट भी ट्रिपल आर जैसा ही होगा और हमें एक और भीम जैसा कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर भीम का कैरेक्टर की बात की जाए तो वो भी फेयरलेस और करेजियस था, सिमिलर टू एनटीआर देवरा कैरेक्टर। अगर रिलीज डेट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं और फिल्म अक्टूबर में पोस्टपोन नहीं होती है तो अब तक तो हमारे सामने फिल्म आ चुकी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देवरा को अपने पेंडिंग पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की वजह से फिल्म को डिले करना पड़ा और अब हम देवरा पार्ट वन को 10th ऑफ अक्टूबर में देख पाएंगे। तो वही हम सब एनटीआर और जानवी कपूर की न्यू एंड फ्रेश जोड़ी को देखने के लिए भी एक्साइटेड हैं। और साथ ही ये जानवी का साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू भी होगा और उनके साथ ही सैफ अली खान भी रख रहे हैं साउथ सिनेमा में कदम और नजर आने वाले हैं एज अ मेन एंटागोनिस्ट, जो इस फिल्म को और भी एक्साइटिंग बनाता है, क्योंकि सैफ ने अजय देवगन स्टार और तानाजी में भी विलन का रोल किया था जो काफी अच्छा था। देवरा को कोरललता सिवा की लिखी और डायरेक्ट की हुई फिल्म है जो 2 पार्ट्स में आने वाली है और सिवा ने इसे एज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट डिस्क्राइब किया है जिसका बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है। तो आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। जूनियर एनटीआर के किस फैन ने किया फिल्म देवरा के म्यूजिक को लेकर खुलासा? दरअसल मास्का दास के नाम से पहचाने जाने वाले हैं तेलुगु एक्टर विशक सेन, जिन्होंने फिल्म गामी गैंग्स ऑफ गोदावरी से ऑडियंस का ध्यान खींच लिया। वो और पैन इंडिया सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का रेपो कितना कमाल का है ये कई सारे लोकेशंस पर देखा गया है और विशक सेन ने कभी ये छुपाया नहीं है कि वे देवरा एक्टर जूनियर एनटीआर के कितने बड़े फैन हैं। और बीच में ये भी कहा गया था कि उन्हें फिल्म देवरा का ऑफर भी मिला था पर उन्होंने अपने बिजनेस शेड्यूल के चलते उसे ठुकरा दिया। खैर, पर ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से हाल ही में मिले और इन दोनों ने एक टाइट हग की पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो इन दोनों के बीच का बॉन्डिंग बता रही है। अब ये पिक्चर जूनियर एनटीआर के फैंस ने भी शेयर की है और विशक सेन ने भी, और जैसा कि जूनियर एनटीआर के फैंस देवरा के अपडेट्स के लिए तरस रहे हैं तो उन्हें एक खास अपडेट भी दिया गया है विशक सेन ने, वह भी फिल्म के म्यूजिक को लेकर। मतलब अगर आप इस फिल्म का म्यूजिक सुनोगे तो देवदास का वही गाना जरूर गाओगे, मार डाला ओ मार डाला, मतलब देवराज एल्बम विल किल एवरीवन। इसका मतलब ये है कि जिस दिन ये दो एक्टर्स एक दूसरे से मिले थे जब एनटीआर ने जरूर ही देवरा के म्यूजिक से जुड़ी कोई ना कोई बात विशक सेन से शेयर की होगी या फिर उन्हें म्यूजिक सुनाया होगा। और देवरा के म्यूजिक कंपोजर हैं अनिरुद्ध रविशंकर। इसका मतलब विशक सेन का ये कहना है कि जवान विक्रम लियो जेलर के बाद अब अनिरुद्ध का एक और जबरदस्त म्यूजिक एल्बम होगा। वैसे म्यूजिक को लेकर गारंटी तो दे सकते हैं पर कुछ वक्त पहले भी हमने सुनाया गया था अनिरुद्ध की ओर से गाने मिलने से बहुत देरी हो रही थी जिसकी वजह से शूटिंग में भी देरी हो रही थी। हालांकि ये फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है जो 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी। वैसे जानवी कपूर इस फिल्म की शूटिंग को लेकर बड़ी एक्साइटेड थी पर उनके धीरे धीरे करके साउथ फिल्मों में काम करने पर बहुत लोग ये सोच रहे थे कि क्या ये श्रीदेवी की तरह साउथ में अपनी पहचान बना पाएंगी, जिस पर खुद उनके पापा बोनी कपूर ने कहा कि श्रीदेवी का लेवल कुछ और था और वो कोई मैच नहीं कर सकता। खैर, देवरा के जरिए जानवी अपना तेलुगु डेब्यू कर रही है, देखते हैं कितने झंडे गाड़ती हैं। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। जानवी कपूर, द लेजेंडरी ब्यूटी श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी, जिन्होंने धड़क से डेब्यू किया और अब बीटाउन की एक पॉपुलर स्टार किड नहीं बल्कि एक्ट्रेस बन गई है। बवाल है भाई, मिली है, रूही है और गुड लक जेरी जैसी हिंदी फिल्में करने के बाद जानवी अब तेलुगु सिनेमा में कदम रख रही है। अपकमिंग फिल्म देवरा पार्ट वन में नजर आने वाली है और जानवी ने अपना गोवा में फिल्म का स्केड्यूल पूरा कर लिया है। साड़ी पहने, बिंदी लगाए, काजल लगाए, ओ हो क्या ही कहने इस सुंदरता की। अब बोल रही है कि गोवा वापस कब आऊंगी। जानवी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सनसेट वाली शेयर करी फोटो और लिखा कि वापस आने और फिर से थंगम बनने का इंतजार नहीं कर सकती। फिल्म में जानवी थंगम नामक एक गांव की लड़की की भूमिका निभा रही हैं। ये फिल्म उनकी तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है और इसमें सैफ अली खान और तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर भी है।
देवरा पार्ट वन का गोवा का स्केड्यूल 19 मार्च को शुरू हुआ था और इसमें एक गाने का सीक्वेंस भी शामिल था। इस बीच जानवी तेलुगु सिनेमा में आगे बढ़ रही हैं। वो आगामी फिल्म RC-16 में रामचरण के साथ भी नजर आएंगी। जानवी जी, आप अपनी मम्मी के नक्शे कदमों पर चल रही हैं, हमें सब पता है। एक्ट्रेस ने RC-16 से कुछ फोटो शेयर करी जिसमें रामचरण, उनके पिता और तेलुगु मेगा स्टार चिरंजीवी और ऑस्कर और ग्रैमी विजेता संगीतकार A.R. रहमान और अन्य क्रू सदस्य नजर आ रहे थे। बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित RC-16 तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में देवरा पार्ट वन के बाद जानवी की दूसरी फिल्म है। जानवी कपूर की पहली फिल्म तेलुगु साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR के साथ देवरा पार्ट वन पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट अक्टूबर तक पोस्टपोन कर दी गई है। और जो ग्लिम्स आया था उसको देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी किस लेवल की होने वाली है। मतलब जब NTR ने चांद को पूरा सर्कल बनाया था तो देखकर मुझे ऐसा लगा कि काश ऐसी एक्शन फिल्म मुझे करने को मिल जाए। फिल्म में जानवी कपूर को तेलुगु बोलनी नहीं आती, लेकिन बाकी ये क्रू मेंबर्स ने उनका बहुत सपोर्ट किया। करेंगे भाई, बोनी कपूर की बेटी है। फिल्म देवरा में समुद्री लुटेरों की कहानी दिखाई जाएगी जो जहाज को लूट कर उनका सारा सोना ले जाते हैं। फिल्म में जिस जहाज को लूटा जाएगा, जूनियर NTR उस जहाज के मालिक के किरदार में होंगे। समुद्र के अंदर बहुत सारे समुद्री लुटेरे होंगे जो जहाज का सारा माल लूट कर ले जाएंगे। फिल्म में लाल समुद्र की कहानी दिखाई जाएगी। इस फिल्म में बताया जाएगा कि कैसे लाल समुद्र में चोरियां होती हैं और लुटेरे सोना लूट ले जाते हैं। इस दौरान बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। लाल सागर हिंद महासागर एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है और जमीनी तौर पर यही एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। फिल्म की कहानी में समुद्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशेष रूप से समुद्री माफिया को शामिल करते हुए शानदार पानी के अंदर लड़ाई के सीन और समुद्र से संबंधित सीन्स को संकेत दिया गया है जो हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर लेते हैं। फिल्म की टीम लेटेस्ट में हैदराबाद में शमशाबाद के पास एक हार्ड डिजाइन वाले समुद्र तट पर शूटिंग कर रही है। भाई, इसको फेमस आर्ट डायरेक्टर साबू सिरिल द्वारा डिजाइन किया गया है और आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये असली समुद्र है या नकली समुद्र है। नकली समुद्र है, लेकिन आपको असली समुद्र लगेगा। ये देखने में इतना अच्छा है कि वो एक रियल समुद्र तट जैसा दिखता है। सेट के एक किनारे पर समुद्री की लहरें इतने अच्छे ढंग से कॉपी करी है कि आर्ट डायरेक्टर आपसे खुद आकर बोलेंगे भाई स्पॉट द डिफरेंस, और आप नहीं कर पाएंगे। अब आजकल मूवी में रियलिटी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। इस मूवी में भी समुद्र तट की रेत का उपयोग करने के अलावा आर्ट टीम ने कर्नाटक के कुछ बेहतरीन समुद्र तटों से मिलने वाले पत्थरों और बड़ी चट्टानों को वहां से किडनैप करके उठा कर लेकर आ गए ताकि ऑडियंस स्पॉट द डिफरेंस कर ही ना पाए। देखो, मैंने आपको बता दिया, आप कर सकते हो। अब प्रोडक्शन टीम ने देवरा में सीन को फिल्माने के लिए गोवा और विशाखापट्टनम जैसे रियल समुद्र के लोकेशंस पर भी शूट किया है। आपको देवरा का कितना इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे बहुत। इस वक्त NTR अपनी अपकमिंग फिल्म देवरा के लिए रशिंग एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं जिसे समुद्र और तूफानों के बीच में फिल्माया जा रहा है, जिसे हैदराबाद में स्पेशली क्रिएट किए गए सी सेटअप पर इसकी शूटिंग हुई। इस एक्शन सीक्वेंस में काफी सारे स्टंट्स और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखने वाली बात तो यहाँ पर ये होगी कि क्या VFX का ज्यादा इस्तेमाल एक सी बेस्ड फिल्म का रियल जो एसेंस होता है उसे बनाए रखता है या फिर नहीं। साथ ही इससे ये भी पता चल रहा है कि देवरा की एक्शन के लिए NTR और फिल्म की टीम जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। साथ ही जूनियर NTR इस बात का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं कि स्टंट को हर तरह से वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, यानी कि स्टंट की हर एक सिंगल डिटेल हॉलीवुड टीम अच्छे से कंपोज करे और विजुअल इफेक्ट्स के काम में भी वो इन्वॉल्व हो रहे ताकि वो पूरी प्रोसेस को ना समझ सके और इसे रीशेप करने में हेल्प कर सके। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जूनियर NTR पूरा ख्याल रख रहे हैं कि आदि पुरुष के VFX के साथ जो हुआ था उनकी देवरा के साथ बिल्कुल भी ना हो, और ये बात उन्होंने प्रभास की भूल से सीखी है। NTR की इन्वॉल्वमेंट फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी और साथ ही वो फिल्म के डायरेक्टर कुरुदाला शिवाक के साथ भी स्क्रिप्ट्स और सीन्स पर डीपली कन्वर्सेशन करके पूरी फिल्म की प्रोसेस बिना इन्वॉल्व हो रहे हैं। जूनियर NTR का ऐसा डेडिकेशन देखकर ना हमें बॉलीवुड के किंग खान की याद आती है जो हमेशा ही अपने फिल्मों के लिए ना पूरे तरीके से डेडिकेटेड रहते थे और हर तरह से इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो वही कुछ दिन पहले जूनियर NTR ने इस फिल्म में काम करने की अपनी इमोशनल जर्नी को ना एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑडियो मैसेज भी शेयर किया था। जी हाँ, और उसमें वो जिस तरह से फिल्म को लेकर बातें कर रहे थे उस पर से हम ये तो कह ही सकते हैं कि देवरा एक बहुत ही एंटिसिपेटेड बहुत ही इमोशनल मूवी होने वाली है। साथ ही इस फिल्म में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जाने वाली है जो बहादुर है और उनके लिए कोई खुदा नहीं है और वो अपने लैंड को ही अपनी माँ समझते हैं
और उनके इस लैंड पर जब मुसीबत आएगी तब वो खुद देव बनकर उनका सामना करेंगे, जो फिल्म का टाइटल है देवरा। और ये देवरा डिस्क्राइब कर रहा है इन सारी चीजों को। एनटीआर का ट्रिपल आर के बाद ये पहला प्रोजेक्ट, इसलिए फैंस को उनसे बहुत ही उम्मीदें हैं और शायद इसी वजह से वो अपनी इस फिल्म को ना अच्छे से दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं और फैंस को डेडिकेट करना भी चाहते हैं। तो क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पैन इंडिया स्टार जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म देवरा अभी फिलहाल चर्चा से थोड़ी सी दूर है, जिसका रीजन है फिल्म की पोस्टपोनमेंट, जिसके कारण खुद मेकर्स भी ना खुश नहीं है ऐसा ही लगता है। खैर, पर फिल्म आएगी 10 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर। वैसे हमने देवरा की ग्लिम्स और टीजर को जब देखा था तभी हमें समझ में आ गया था कि इस फिल्म का टाइमलाइन ना थोड़ा सा अलग है, मतलब ये फिल्म मॉडर्न टाइमिंग वाली फिल्म नहीं होने वाली है, 60s 70s टाइमलाइन की कहानी होगी, क्योंकि उस तरह से डार्क सेंट्रिक थीम से भरा टीजर हमने देखा था तो ये साफ हो गया था। तो उस दौर को और रियलिस्टिक और बिलीवेबल बनाने का काम फिल्म का डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कर रहा है। तो इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनिंग का काम साबू सारिन नाम के बड़े प्रोडक्शन डिजाइनर या फिर आर्ट डायरेक्टर हम कह सकते हैं, उन्होंने अपने हाथ में लिया है। ये वही है जिन्होंने बाहुबली द बिगनिंग में माहिष्मति राजे को क्रिएट किया था, जिन्होंने ब्यूटीफुल वॉटरफॉल के दर्शन हमें कराए थे। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म के लिए कई सारे प्रॉप्स भी बनाए थे, जैसे कि प्रभास और राणा दग्गुबाती की तलवारें हो गई, सिंहासन हो गया, उनके पहने हुए क्राउन्स हो गए, ये सब कुछ इन्हीं का कमाल था। इन्होंने एस शंकर की फिल्म एथिरन का भी जिम्मा उठाकर एक साईफाई फिल्म का टेस्ट अपने डिजाइनिंग से बढ़ाया था और वही अब दोबारा देवरा के साथ ये जुड़ चुके हैं। अब इनके प्रोडक्शन डिजाइनिंग की यही खासियत है कि जो बनाते हैं ना वो काफी रियलिस्टिक लगता है, भले ही वो फिक्शनल वर्ल्ड क्यों ना हो, क्योंकि देखिए ना बाहुबली का माहिष्मति भी तो फिक्शनल वर्ल्ड ही था, पर उसमें हमें एंगेज रखने का काम इन्हीं आर्ट ने किया था और अब देवरा में भी उन्होंने ऐसी ही डिजाइनिंग की है। तो देखते वक्त ना आपको बिल्कुल ये रियल लगने वाली है, देवरा का बैकड्रॉप या फिर टाइमलाइन लगेगा कि एकदम सचमुच हो रहा है। अब बाहुबली के सक्सेस में प्रोडक्शन डिजाइनिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि ऑडियंस माहिष्मति को देखकर लार्ज देन लाइफ एक्सपीरियंस ले रही थी। तो देवरा के लिए ना हम यही उम्मीद करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत कुछ खास डिजाइन किया होगा जो फिल्म का लेवल को बढ़ा देगा। वैसे फिल्म के हीरो जूनियर एनटीआर ने एक बड़ा चेंज दिखाया है, जैसे कि वो अब एक्शन फिल्मों में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ट्रिपल आर के बाद देवरा वॉर 2 जैसी एक्शन फिल्में भी उनके पास है। तो उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि भले ही ट्रिपल आर में उन्होंने कुछ सीन्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया हो, पर देवरा में वो ऐसा नहीं करेंगे, सारे स्टंट्स वो खुद ही परफॉर्म करेंगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल हीरो का बॉडी डबल के बिना ना एक्शन करना ये चर्चा बढ़ाता है, जैसे बड़े या छोटे में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हो गए, उन्होंने भी अपने स्टंट्स ना खुद ही परफॉर्म किए हैं। अब आने वाली वॉर 2 में ऋतिक रोशन और एनटीआर स्टंट डबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा ना, हाइप बढ़ जाता है, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, इसी की वजह से तो ऑडियंस का एंटीसिपेशन भी बढ़ जाता है अब ये देखने के लिए कि उनका हीरो किस लेवल के स्टंट्स खुद ही कर सकता है, जिससे ना उन्हें एक रियल एक्सपीरियंस मिलता है और वो देवरा के जरिए भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर ना ये प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सिनेमा की पॉपुलर स्टार किड्स में से एक है जाह्नवी कपूर, जिन्होंने धड़क से डेब्यू किया और अब वो बी टाउन की पॉपुलर स्टार किड नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस बन गई है। बवाल, मिली, रूही और गुडलक जेरी जैसी फिल्में करने के बाद जाह्नवी अब तेलुगु सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। बॉलीवुड की ये खूबसूरत हीरोइन जाह्नवी कपूर आज 6 मार्च को अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पहले तो साउथ सुपरस्टार रामचरण की फिल्म RC-16 में उनका नाम आ रहा था और इसी के साथ उन्होंने एक खूबसूरत पोस्टर भी शेयर किया था। वहीं अब साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की अपकमिंग मास एक्शन फिल्म देवरा पार्ट 1 से उनका एक नया पोस्टर रिलीज हुआ है। देवरा के मेकर्स ने पोस्टर जारी कर एक्ट्रेस को बर्थडे विशेस दी हैं। फिल्म देवरा पार्ट 1 से आए सामने जाह्नवी कपूर के न्यू पोस्टर में वो एकदम देसी छोरी के लुक में नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान है और वो अपनी खूबसूरत आंखों से सामने देख रही हैं। देवरा के मेकर्स युवा सुधा आर्ट्स ने उन्हें बर्थडे विश करते हुए लिखा है, हमारी प्यारी थंगम जाह्नवी कपूर को बर्थडे विशेस की बधाई हो, जिससे कि ये कन्फर्म हो जाता है कि जाह्नवी देवरा में थंगम नाम की एक लड़की का किरदार निभाएंगी। जाह्नवी की ये पहली तेलुगु फिल्म साउथ सुपर जूनियर एनटीआर के साथ पहले तो अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी डेट को आगे खिसका के अक्टूबर तक कर दिया है।
एक इंटरव्यू में जानवी ने बताया कि देवरा से जुड़ी याद में उन्हें किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा रहेगा। क्योंकि उन्हें तेलुगु बोलनी नहीं आती थी, इसलिए उन्हें फिल्म की शूटिंग में काफी दिक्कत होती थी। लेकिन देवरा की जो टीम थी, जो कास्ट एंड क्रू थी, उसने जानवी की बहुत मदद की। उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्हें अपने जड़ों के साथ जुड़े रहना चाहिए था। फिल्म देवरा की कहानी क्या होगी? फिल्म देवरा में समुद्री लुटेरों की कहानी दिखाई जाएगी। वो समुद्र में हर जहाज को लूटकर उसका सारा सोना ले जाते थे, और एक ऐसे ही जहाज को वो लूटने आएंगे जिसका मालिक देवरा होगा। फिल्म में लाल समुद्र की कहानी दिखाई जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि लाल समुद्र में चोरियां कैसे हुआ करती थी। लाल समुद्र एक्चुअल में हिंद महासागर, एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है, और जमीनी तौर पर यही एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। फिल्म की कहानी में समुद्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, विशेष रूप से समुद्री माफिया को दिखाते हुए। पानी के अंदर शानदार लड़ाई और समुद्र से संबंधित दृश्यों का संकेत दिया गया है, जो हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर लगता है। फिल्म की टीम लेटेस्ट में हैदराबाद के शमशादबाद के एक हार्ड डिजाइन सेट समुद्र के तट पर शूटिंग कर रही है। समुद्र तट सेट को फेमस आर्ट डायरेक्टर साबू सिरिल द्वारा डिजाइन किया गया है। ये देखने में इतना अच्छा है कि ये एक रियल समुद्र तट जैसा दिखता है। डिटेलिंग पे फोकस किया गया है। पानी जब समुद्री तट से टकराता है और जो बहाव से फवारा उठता है, उसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, सेट की रियलिटी को बढ़ाने के लिए समुद्री रेत का भी इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ कर्नाटक में मिलने वाले कुछ यूनिक चट्टानों को भी इस सेट में इंक्लूड किया गया है, ताकि ऑडियंस रियल और फेक सेट में कंफ्यूज हो जाए। प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की लोकेशंस में गोवा और विशाखापट्टनम जैसी लोकेशंस को इंक्लूड किया है, जो इस फिल्म को और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। तो दोस्तों, आप कितना इंतजार कर रहे हैं देवरा के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। कभी कभी हौसले को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। मछलियों से ज्यादा खून और खंजर देखे हैं, शायद इसीलिए इसे लाल समंदर कहते हैं। देवरा, जिसे पहले NTR 30 कहा जा रहा था, इस फिल्म से जब NTR का फर्स्ट लुक सामने आया, जिसमें कि वो समुद्र के बीचों बीच हाथ में एक बड़ा सा हथियार लिए खड़े हैं, तब उनमें ना हमें RRR के भीम की झलक दिखाई दी। देवरा में उनका किरदार एक हार ना मानने वाले और किसी से ना डरने वाले इंसान का है, और ऐसा ही कुछ भीम का भी किरदार था। और अगर उनके इन दोनों किरदारों के ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में बात की जाए ना, तो वो काफी हद तक सिमिलर है, या फिर एक जैसी है, ये भी हम कह सकते हैं। उसके बाद भीम को हमने शेर से लड़ते हुए देखा था, और देवरा में हम NTR को जानवरों से लड़ते हुए देखेंगे, क्योंकि ये फिल्म एक हिडन आईलैंड की कहानी पर बनी हुई है, और ऐसे आईलैंड पर ना अलग अलग तरह के जानवर तो होते ही है। साथ ही भीम फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, और यहाँ पर NTR के लुक को देख कर ही ना हम पता चल रहा है कि उनका ये कैरेक्टर भी ना माइटी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। दोस्तों, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जूनियर NTR के दोनों ही किरदार काफी हद तक सिमिलर है, और कुमराव भीम की तरह हम देवरा को भी पसंद करने वाले हैं। इसके साथ ही जूनियर NTR ने आज तक कई फिल्मों में काम किया है, और वो अपनी फिटनेस की वजह से काफी पॉपुलर रहे हैं। अब उनकी लेटेस्ट फिल्म RRR के लिए उन्होंने एक स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। जी हाँ, स्पेशल ट्रेनिंग, और उन्होंने जंगलों में नंगे पाव जॉगिंग करने जैसी एक्सरसाइज भी की थी, और उनके इस हार्ड वर्क की वजह से ही उनकी पमला ग्लोबली हिट हो गई, और उनका कैरेक्टर भी। NTR की वर्कआउट रूटीन की बात की जाए तो वो रोज 4 घंटे जिम में बिताते हैं और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। साथ ही उन्होंने अपने फैंस को फिटनेस टिप देते हुए कहा कि नो पेन नो गेन, और इस रूल को ना वो खुद भी फॉलो करते हैं। उन्हें स्पोर्ट्स भी काफी पसंद है, और इसलिए वो अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को एक्सरसाइज का हिस्सा बनाकर अपने फिटनेस ट्रेनिंग को ना रेगुलर बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए 2018 में 3 महीनों में 20 किलो वजन कम किया था, तो वहीं RRR के लिए उन्होंने 9 किलो वजन बढ़ाया था, क्योंकि उस फिल्म में उनका किरदार एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान था। और अब फिर से देवरा के लिए उन्होंने वजन कम किया है, और हम उनके फर्स्ट लुक पोस्टर में ये देख सकते हैं। वो हेल्दी फूड खाना बहुत ही पसंद करते हैं, और उनकी डाइट में प्रोटीन रिच और हाई कार्ब फूड भी शामिल है। तो ये तो है जूनियर NTR का फिटनेस मंत्र।
अब आपका फिटनेस मंत्र क्या है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। फाइनली फिल्म देवराज के फैंस को खुशखबरी मिल गई है। कब से पोस्टपोन हो चुकी जूनियर एनटीआर की देवराज की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हो रही थी, जो कि अब जाकर हो चुकी है और फाइनली फिल्म आएगी 10 अक्टूबर 2024 को, मतलब की दशहरा के टाइम पर। पर देवरा के कारण अब एक्टर रामचरण की फिल्म गेम चेंजर और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को फिर से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब जैसे गेम चेंजर भी अक्टूबर में आने वाली थी, पर देवरा के अनाउंसमेंट के बाद गेम चेंजर के मेकर्स प्लान बदल सकते हैं और अक्षय की फिल्म स्काई फोर्स तो 2 अक्टूबर को आने वाली है, तो बीच में गैप ज्यादा नहीं है। अब एक वक्त ऐसा था जहां 5 अप्रैल को देवरा आने वाली थी और देवरा के अनाउंसमेंट पहले होने के बावजूद भी अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को लाई जा रही थी और क्लैश किया जा रहा था। पर अब देवरा की वजह से स्काई फोर्स की प्रॉब्लम है। देवरा एक मास मसाला एक्शन फिल्म है और स्काई फोर्स एक पैट्रियोटिक फिल्म है जो इंडियन एयरफोर्स और एयर स्ट्राइक पर बनी है। पर लोगों में तो देवरा को ही लेकर एंटीसिपेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनटीआर की इस फिल्म के टीजर से ही ना बस बहुत बढ़ चुका है और देवरा का स्केल भी कमाल का है, हॉलीवुड लेवल का स्केल दिखाई दे रहा है। एक तो इस फिल्म के ऑलमोस्ट सभी एक्शन सीक्वेंसेस स्टंट्स एनटीआर ने खुद ही परफॉर्म किए हैं बिना बॉडी डबल के, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी बात यह है कि इसके अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस में ना ह्यूज लेवल पर VFX इस्तेमाल किए गए हैं और ऐसा पहली बार इंडियन सिनेमा में होगा। कमाल के अंडर वाटर VFX हमने बॉलीवुड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में देखे हैं, जो डायरेक्टर जेम्स कैमरसन की फिल्म है। मोशन कैप्चर कैमरा, 3D स्कैनिंग जैसी कई टेक्नोलॉजी से इसके अंडर वाटर सीन शूट किए गए थे। उसके बाद फिल्म एक्वामैन, ये एक और एग्जाम्पल है अंडर वाटर हैवी VFX का। वैसे ब्रैड मिनिच ये एक्वामैन के VFX सुपरवाइजर है जो अब देवरा के साथ है, तो क्वालिटी वर्क की तो यहाँ पर नो चिंता, मतलब कि गारंटी है भाई कि ये तो कमाल का होने ही वाला है। मतलब जो हॉलीवुड में होता है ना, वैसा सब कुछ पहली बार इंडियन सिनेमा में भी होने वाला है। इसके साथ साथ एनटीआर ने अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंसेस के लिए खुद मुंबई के स्विमिंग ट्रेनर से ट्रेनिंग ली थी और अंडर वाटर एक्शन और अंडर वाटर VFX ये फिल्म के लिए ना स्पेशल प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसकी स्टोरी जुड़ी है मछुआरों से और उनके लिए सबसे अधिक पानी रखता है समंदर, तो ऐसे में पानी के लिए शूट किए गए सीन फिल्म का हाइलाइटिंग पॉइंट होंगे। तो जिस तरह से अवतार ने क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए सारी बाउंड्रीज तोड़ दी थी, उसी तरह देवरा भी कर सकती है। अब इसीलिए वो एक ना एंटीसिपेटेड फिल्म बन चुकी है और वो कई सारे इक्वेशंस चेंज करने का पोटेंशियल भी रखती है। तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है इस फिल्म से हमें? पैन इंडिया सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म देवरा की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। रिलीज डेट है 10 अक्टूबर 2024 यानी कि दशहरा सीजन। पर उसके बावजूद भी देवरा के मेकर्स के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, मतलब अगर पुष्पा 2 15 अगस्त को नहीं आई तो देवरा 15 अगस्त पर टपकने के प्लान भी हो सकती है, बट ये कन्फर्म नहीं है। पता नहीं रिलीज डेट अनाउंस करने के बाद से ये सब कुछ क्यों चल रहा है, पर देवरा के साथ एनटीआर के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं और इसी के जरिए वो 3 चीजों को ब्रेक लगाना चाहते हैं, जिसमें 2 चीजें कई कई पॉइंट्स पे ना उनके करियर में वर्क नहीं हुई है। फर्स्ट इज पोस्ट SSR मूवी सिंड्रोम। SSR मतलब कि SS राजामौली। अब राजामौली की फिल्म करने के बाद भी यूजुअली उन एक्टर्स को फ्लॉप का सामना करना पड़ता है, जिसमें पहला एग्जाम्पल है प्रभास जिन्होंने बाहुबली के बाद भी फ्लॉप का सामना किया था। साहू राधेश्याम हमारे सामने है, पर रामचरण जो कि RRR में नजर आए थे और RRR के बाद उनकी फिल्म आचार्य रिलीज हुई थी वो भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से पिट गई। हाँ, पर फिल्म फ्लॉप होने के बाकी रीजन भी हो सकते हैं, पर ऐसा नजर आया कि राजामौली के साथ काम करने के तुरंत बाद एक्टर्स की फिल्म फेल होती है, इसलिए उसे पोस्ट SSR मूवी सिंड्रोम कहा गया है। अब NTR भी RRR के बाद दूसरी पैन इंडिया फिल्म देवरा कर रहे हैं, तो देवरा के थ्रू वो इस पोस्ट SSR सिंड्रोम को सच साबित होना नहीं देना चाहते हैं। सेकेंडली देवरा में बाप बेटे दोनों का रोल निभाएंगे NTR। अब आज फादर सन डुओ रिलेशनशिप पर बनी कई फिल्में सुपरहिट हुई है, जैसे कि शाहरुख खान की जवान, रणबीर कपूर की एनिमल, प्रभास की बाहुबली। पर NTR के केस में बाप बेटे कहानी पर बनी फिल्में ना पहले कामयाब नहीं रही है, उसका एग्जाम्पल है आंध्रा वाला और शक्ति। तो देवरा के जरिए इसे भी NTR ब्रेक लगाना चाहते हैं और उनकी ऐसी बहुत कम फिल्में हैं जो दशहरा पर रिलीज हुई हैं, जिसमें कुछ एवरेज रही है,
तो कुछ फ्लॉप भी रही है, तमैया वस्तावैया जैसी कुछ पल में है। तो अब ये भी देखना है कि देवरा इस दशहरे पर ब्लॉकबस्टर होती है या फिर नहीं। वैसे ये वो अश्योर करना चाहते हैं कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए। वैसे जिस तरह से एनटीआर फैंस को रिक्वेस्ट कर चुके थे कि देवरा से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए फैंस बार बार ना पूछे, क्योंकि हर टीम मेंबर पर बहुत बड़ा प्रेशर है, उससे ये तो साफ है कि वो देवरा को हर एंगल से परत देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था मजाक में कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उनकी वाइफ को पता चलने से पहले फैंस को पता चलेगी। फिर ये तो साफ है ना कि एनटीआर किसी भी हाल में देवरा को ब्लॉकबस्टर साबित कराकर ही मारेंगे, जो कि बहुत जरूरी है उनके लिए। तो आपको क्या लगता है ये फिल्म क्या कमाल करने वाली है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। पैन इंडिया सुपरस्टार जूनियर एनटीआर अपनी अगली पैन इंडिया फिल्म देवरा को लेकर 2024 के समर वेकेशन पर हाजिर होने वाले हैं, पर एनटीआर उर्फ तारक के लिए एक टेस्ट है जो उन्हें देना पड़ेगा। अब ये कैसा टेस्ट होगा? ये टेस्ट होगा फिल्म के एक्शन लेवल का, और उसके जज होंगे हम। जी हाँ दोस्तों, जो डिसाइड करेंगे कि वो देवरा में पास होते हैं नहीं, फेल होते हैं क्या सुपर से भी ऊपर होते हैं। अब तेलुगु इंडस्ट्री एक धांसू फिल्म 2023 खत्म होते होते रिलीज हुई जिसका नाम है सलार, जिसने बेंचमार्क सेट किया है एक्शन की दुनिया में। सलार को उसके एक्शन के लिए अप टू द मार्क रिमार्क्स मिले हैं, मतलब एलिवेशन सीन्स को इलेक्ट्रिफाइंग रिस्पॉन्स मिला। क्लाइमेक्स सीन्स में सब लोग डूब ही गए, जो कि सीटी मार क्लाइमेक्स था, और जिन सीन्स की वजह से फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था वैसे कई सारे सीन्स इसमें थे। तो एक्शन के मामले में सलार सबसे बढ़िया निकली। ऐसे में देवरा जो 2024 में आने वाली है पहली फिल्म है तेलुगु की, तो उसके लिए टेस्ट है कि इसका एक्शन कैसा होगा, मतलब सलार से बड़ा होगा या नहीं, क्योंकि पैन इंडिया फिल्म है और एक्शन जबरदस्त ना हो दोस्तों ये नहीं चल पाएगा। अब देवरा के एक्शन सीक्वेंस के लिए बहुत बढ़िया तैयारी की है इन्होंने, बल्कि इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर ने ये कहा है कि फिल्म के कुछ फाइटिंग सीन्स ऐसे होंगे जो आपको क्लाइमेक्स वाली फीलिंग देंगे। फिल्म के हीरो एनटीआर और विलन सैफ अली खान के बीच दो ऐसे तगड़े एक्शन सीक्वेंस होंगे जो इस फिल्म के सेटलिंग पॉइंट्स कहलाए जाएंगे दोस्तों। और अंडर वाटर एक सीक्वेंस शूट किया गया है दोस्तों, वहां भी फाइट होने वाली है और वहां एनटीआर ने किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों देवरा तो टेस्ट के लिए तैयार लगती है। इस डायरेक्टर कोर्तला सिवा ये तेलुगु इंडस्ट्री का एक पॉपुलर नाम है, पर उनकी लास्ट फिल्म पर ज्यादा फोकस हो रहा है जिसका नाम आचार्य है, जो सुपर फ्लॉप रही थी चिरंजीवी और रामचरण की जोड़ी होने के बावजूद भी। ऐसे में एनटीआर जैसे बड़े स्टार ने उन पर विश्वास क्यों दिखाया है, ये सवाल भी सबके मन में है। जाहिर है कि कोई भी एक्टर ये देखेगा कि फिल्म का डायरेक्टर कौन है, क्योंकि वो जैसे डायरेक्ट करेगा फिल्म वैसे ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि एनटीआर ने ये सही देखा है दोस्तों। अब इसका सिंपल सा रीजन ये है कि कोर्तला सिवा के साथ एनटीआर ने पहले भी काम किया है जनता गैरेज नाम की फिल्म में, जो कि बढ़िया चली थी और उनका प्रोफेशनल लेवल पर काफी अच्छा बॉन्ड है। और दोस्तों एक फिल्म फ्लॉप होने के बाद जज करना सही नहीं है, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे की फिल्में भी ऐसी ही होंगी। जाहिर है कि कोर्तला सिवा वो गलतियां तो नहीं करेंगे जो आचार्य के वक्त हुई थी। एनटीआर को लिया है, इसका मतलब वो 10 नहीं 100 बार सोचेंगे कोई भी काम करने से पहले। तो दोस्तों ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एनटीआर है मतलब फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। स्टार जूनियर एनटीआर, जिन्हें प्यार से सब लोग तारक बुलाते हैं, उनकी अपकमिंग फिल्म देवरा 2024 की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है, जो समर सीजन पर रिलीज होने वाली है। और तारक के इस प्रोजेक्ट के हर एक एलिमेंट से लेकर रिलीज तक मेकर्स बहुत ज्यादा अलर्ट है, कोई गलती ना हो क्योंकि ये तारक का प्रोजेक्ट है। वैसे ये फिल्म 5 रीजंस की वजह से मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म कहलाई जाती है, जिसमें पहला है बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर का डेब्यू, सेकेंड है सैफ अली खान का एंटागोनिस्ट बनना, तीसरा जबरदस्त विजुअल ट्रीट, चौथा अनिरुद्ध रविचंद्र का मैजिकल म्यूजिक, और डायरेक्टर कोर्तला सिवा और एनटीआर का सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड। इससे बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि जानवी की तो लॉटरी निकल आई है कि उन्हें एनटीआर के साथ काम करने का मौका मिला है। वैसे ये बात तो जानवी कपूर को भी पता है कि उनकी लॉटरी निकल आई है, पर ये मौका पहले उन्हें नहीं मिलने वाला था। जी हाँ, इस फिल्म के लिए पहले आलिया भट्ट के बारे में भी सोचा जा रहा था, जो कि एनटीआर के साथ ट्रिपल आर में भी काम कर चुकी है। साथ ही रश्मिका मंदाना, श्रद्धा कपूर और मृणाल ठाकुर का नाम भी कंसिडर किया जा रहा था, पर आखिर में ये मौका जानवी कपूर को मिला। वैसे श्रद्धा, आलिया, रश्मिका, मृणाल टैलेंट के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, पर अगर लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर ये चारों ना पीछे नहीं रहती है, क्योंकि ये तेलुगु भाषा बोल सकती है। वैसे जानवी को तेलुगु आती भी नहीं है, पर फिर भी पता नहीं उनकी किस्मत के सारे कैसे चमक उठे।
वैसे अब जानवी को मौके पर चौका मारना है, क्योंकि बॉलीवुड में ग्लैमर चलता होगा पर साउथ फिल्मों में ना ग्लैमर नहीं टैलेंट चलता है। वैसे अगला पॉइंट है सैफ अली खान का एंटागोनिस्ट बनना। सैफ अली खान इससे पहले फिल्म आदि पुरुष में भी नजर आए थे विलन के तौर पर। वैसे देवरा में उन्हें कास्ट करने से पहले एक्टर विक्रम और विजय सेतुपति इन्हें भी ऑफर दिया गया था, पर इन दोनों ने डेट्स के कारण इसे मना कर दिया। अब विजय सेतुपति का नाम तो आने ही वाला था, क्योंकि फिल्म जवान के बाद वो और भी ज्यादा पसंद आने लगे हैं सबको, उनकी वजह से विलन की फिल्म को जरूरत होती है। वैसे फिल्म का म्यूजिक भी देवरा को ब्लॉकबस्टर बनाने में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जितनी भी फिल्में हम देख रहे हैं ना, फिर चाहे वो बॉलीवुड की हो, साउथ फिल्में हो, पैन इंडिया फिल्में हो, म्यूजिक ऐसा एलिमेंट है ना जो फिल्म को देखने पर मजबूर कर देता है। जवान, पठान, एनिमल, लियो, सालार, ये इसी के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि सीन्स और बीजीएम इसका एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन फिल्म का एंटीसिपेशन बढ़ा देता है। तो ऐसे में अनिरुद्ध जैसे प्रॉमिसिंग कंपोजर को हायर करना फायदेमंद रहेगा। तो देखते हैं कि जिन रिजल्ट की वजह से ये एंटीसिपेट फिल्म बन चुकी है वो बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखा पाती है। फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो। पैन इंडिया स्टार जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म देवरा अमेरिकन फैंटेसी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स को भी पीछे छोड़ सकती है। ऐसा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अगर हम कह दें तो आपको हैरानी होगी ना। अब गेम ऑफ थ्रोन्स इतनी यूनिक और अमेजिंग क्यों थी, उसके पीछे क्या रीजंस थे? एक तो था द सिनेमैटिक क्वालिटी ऑफ सीरीज अलोंग विद इट्स एपिक स्केल, और उसकी कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाती है जहां पर आपको रुकने का मन करता है, जहां पर आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर देते हो। सेकेंडली कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटीज एक फैक्टर है, उस कैरेक्टर को लेकर आगे क्या क्या होता है, उसे कैसे डेवलप किया गया है, ये जानने की एक एक्साइटमेंट बन जाती है। प्लॉट में आने वाले ढेर सारे ट्विस्ट इसे सक्सेसफुल और अमेजिंग बना चुके। तो अगर ये सब हमें देवरा में भी देखने को मिलेगा, वो भी इंडियन टैलेंट के साथ, तो भाई ये तो सोने पर सुहागा होगा ना। और हम ये डेफिनेटली तब कह सकते हैं कि इससे इंडियन ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। और अगर हर एक पॉइंट पर देवरा गेम ऑफ थ्रोन्स के सक्सेसफुल पॉइंट्स के लेवल की होगी या फिर एक लेवल ऊपर की होगी ना, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स से भी बढ़कर साबित होगी। पर ये तो हमें तब पता चलेगा जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी। सही कहा ना मैंने? अब गेम ऑफ थ्रोन्स के सक्सेसफुल होने में एक और सक्सेसफुल एस्पेक्ट था फिल्म की सिनेमाटोग्राफी। अब देवरा के साथ सिनेमाटोग्राफर रत्ना देलू जुड़ चुके हैं और उनका ये यकीन है कि देवरा सिनेमाटोग्राफी के तौर पर भी ऑडियंस को काफी पसंद आ सकती है। इस फिल्म के फाइट सीन को लेकर और कई सारे दमदार सीक्वेंसेस को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट है। इसमें कई सारे ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जिसकी सिनेमाटोग्राफी काबिल तारीफ होने वाली है। उसमें से एक और चीज ये है कि फिल्म का एक अंडर वाटर सीक्वेंस भी शूट किया गया है, जिसमें जाहिर सी बात है कि हमें जूनियर एनटीआर नजर आएंगे। वैसे कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि बाप रे एनटीआर ने ये सब कुछ कैसे कर लिया, अब वो तो द एनटीआर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा एक अंडर वाटर सीक्वेंस नजर आएगा, पर समुन्द्र के बीचों बीच में एक सीक्वेंस है वो भी इस फिल्म का टॉक ऑफ द टाउन बन सकता है। और अगर टीम खुद से दावा कर रही है तो ऐसा ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसका मतलब ये एक स्पेशल पॉइंट होगा इस फिल्म का। वैसे इस वाटर सीक्वेंस को हैदराबाद में शूट किया गया है, ये आपको हम बता दें। वैसे इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर और सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं, और सैफ अली खान इसमें हमें विलन के तौर पर दिखाई देंगे। वहीं एनटीआर डबल कैरेक्टर्स में हमें नजर आएंगे, एक बाप के कैरेक्टर में तो दूसरे बेटे के कैरेक्टर में, मतलब डबल मेहनत। तो उम्मीद है कि देवरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी डबल ट्रिपल कमाएगा। फिलहाल आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। रिवर स्टार प्रभास की फिल्म सालार में सालार उर्फ देवा से मिलने के बाद एक और देवा से हमारी मुलाकात होगी, और ये देवा बनेंगे जूनियर एनटीआर, जिनकी फिल्म देवरा में उन्हें प्यार से देवा बुलाया जाएगा। वैसे पैन इंडिया स्टार जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म देवरा बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि एस एस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर के बाद एनटीआर तो नेशनल सेंसेशन बन चुके हैं, पर देवरा जितनी स्पेशल है उतनी ही वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस फिल्म में एक रियल इंसिडेंट टच देखने को मिलने वाला है। अब फिल्म रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती है, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होती है या फिर कॉपीड होती है, और ये कोई नई बात नहीं है, और इसी वजह से तो हम फिल्म से इमोशनली ज्यादा अटैच होते हैं। तो यही फंडा डायरेक्टर पुरकला शिवा अपनी फिल्मों में आजमाते हैं। अब देवरा में हमें एक ऐसे रियल प्रेजिडेंट का टच तो देखने को मिलेगा जो कि आंध्र प्रदेश में हो चुका है साल 1985 में। करम छेडू एक
जगह है आंध्र प्रदेश में जहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, जहाँ 1985 में बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान आया था, जहाँ पर ऊंच नीच इस तरह का भेदभाव किया गया था, मतलब ऊंच जाति के गुंडों ने दलित लोगों को मार दिया था, बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी और कई लोग ऐसे थे जो बेकार हो चुके थे, जिनके पास घर नहीं था। तो इसी रियल लाइफ इंसिडेंट से थोड़ा इंस्पिरेशन लेकर फिल्म में टच ऐड करने की कोशिश की गई है। वैसे भी देवरा में भी पावर का खेल दिखाया जाएगा, कमजोर लोगों को सताया जाएगा, पॉलिटिक्स पर खेला जाएगा, क्योंकि ये इससे एक समुद्र माफिया और उसके खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई दिखाई जाने वाली है और उस माफिया के विरुद्ध लड़ेगा देवरा, यानी कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर, जो अपने लोगों को बचाने के लिए, जो उस माफिया से लड़ने के लिए काबिल नहीं है, जो उससे डर कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और जैसे फिल्म के पोस्टर में दिखाई देता है, जिस तरह से एक वेपन लेकर एनटीआर खड़े हैं जो खून से लथपथ है, इसका मतलब कि अपने लोगों को उस माफिया से बचाने के लिए और जस्टिस पाने के लिए देवरा कुछ भी कर सकता है। वैसे कुरताला शिवा अपनी फिल्मों में रियल लाइफ में इंसिडेंट तो ढालते रहते हैं, जैसे कि उनकी फिल्म श्री मथुंडू, ये रियल लाइफ विलेन एडॉप्शन इंसिडेंट पर बेस्ड थी, और उसके बाद उनकी फिल्म आचार्य जो कि फ्लॉप रही, उसमें भी उन्होंने नक्सल मोमेंट्स को दिखाया था। तो आप देखते हैं कि जिस रियल लाइफ इंसिडेंट का या फिर ट्रेजेडी का इस्तेमाल करने की चर्चा है, वो ऑडियंस को कितनी पसंद आती है या फिर पसंद नहीं आती है। फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो। फिल्म देवरा तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म ट्रिपल आर के बाद दूसरी पैन इंडिया फिल्म है। ऐसे में देवरा को लेकर बढ़िया एंटीसिपेशन दिखाई दे रहा है और सब लोग अब ये देखना चाहते हैं कि क्या ट्रिपल आर के लेवल का सक्सेस देवरा हासिल कर पाती है या फिर नहीं। वैसे इस फिल्म में भले ही हमें जूनियर एनटीआर, एक्टर जानवी कपूर और सैफ अली खान लीड रोल में नजर आए, पर एक और फैक्टर है जो इस कहानी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा और वो है समंदर। अब जाहिर सी बात है कि देवरा में फिशरमैन कम्युनिटी दिखाई जाएगी, यानी कि मछुआरों की कम्युनिटी दिखाई जाएगी, जहां देवरा इस कम्युनिटी का लीडर होगा जो वहां के माफिया से लड़ेगा। इसका मतलब समुंदर तो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है, जो हम फिल्म के पोस्टर्स में भी देखते हैं। ऐसे में समुंदर से जुड़े जो भी सीन्स होंगे वो ज्यादा मायने रखते हैं और वो हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड है ऐसा कहा जाता है। वैसे देवरा मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ 2024 क्यों है? इसके 5 रीजंस में से एक रीजन हमने बताया था कि इसकी विजुअल ट्रीट पर्दे पर देखते वक्त जो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है या हमें हक्का बक्का करके छोड़ देता है, वो होते हैं फिल्म के VFX। तो VFX की दुनिया में देवरा सारे इक्वेशंस चेंज करने के रास्ते पर है। अब किसी भी हॉलीवुड फिल्म को अगर देखा जाए तो 60-70 दिनों में शूटिंग कंप्लीट होती है और एक साल से ज्यादा टाइम तो वो सिर्फ VFX को देते हैं, पर इंडिया में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। पर देवरा इस सिचुएशन को और प्रोसेस को चेंज करना चाहती है, जिसके तहत उन्होंने 8 महीने VFX और रिसर्च पर काम किया। देवरा के सेट पर VFX का काम इस तरह से होता है कि सपोज एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंटरैक्ट कर रहा है तो वो किस तरह से ये करेगा, उसे लेकर सेट पर एक आइडिया लिया जाता है और उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग VFX पर काम किया जाता है। अब जहां पर VFX की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां टीम ने पहले ही अपना काम खत्म कर दिया है और बाकी चीजों के लिए वो आराम से VFX इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जिस तरह से किसी हॉलीवुड फिल्म को हम देखते हैं जो कि VFX के मामले में जबरदस्त होती है, उनका यही रीजन होता है कि वो टाइम देते हैं जो इंडियन सिनेमा में नहीं होता है। तो देवरा इस इक्वेशन को चेंज करते हुए सिस्टमैटिकली VFX को टाइम दे रही है ताकि उन्हें भी वही सक्सेस मिले जो कि एक हॉलीवुड फिल्म को मिलता है। तो मतलब VFX की दुनिया में देवरा एक बेंचमार्क सेट करने की शपथ ले चुकी है। देखते हैं अब इनके VFX उतने लेवल के होते भी है या फिर नहीं। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। पैन इंडिया फिल्मों में माँ बेटे या फिर बाप बेटे इस तरह के इमोशनल क्वेश्चन को इस्तेमाल करके फिल्में कमाई पर कमाई कर चुकी हैं। इसमें KGF है, जवान है, उसके बाद एनिमल फिल्म है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को इस्तेमाल करके फिल्म की कहानी को प्रेजेंट करने का फैशन ही चल रहा है। अब जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा भी इस मसाले में दोस्तों
आगे बढ़ने वाली है। इसमें भी बाप और बेटी का बॉन्ड दिखाया जाएगा और मेन बात यह है कि बाप और बेटी के कैरेक्टर को NTR ही निभाएंगे। पर जिस तरह से शाहरुख खान की फिल्म जवान में विक्रम राठौर और उसका बेटा आज़ाद इन दोनों पर इक्वल फोकस किया गया था, वैसे देवरा में नहीं होगा। देवरा में मेन फोकस होगा NTR के बाप वाले कैरेक्टर पर, जिसका नाम देवरा होगा, और जो बेटे वाला कैरेक्टर है वो जनरेशन एक्स कैरेक्टर कहलाया जाता है। मतलब ये शब्द अमेरिकन जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो शायद बेटे वाला किरदार वही रहने वाला है जो हमें वेस्टर्न अवतार में नजर आ सकता है। वैसे फिल्म जय लव कुश में ट्रिपल रोल निभाने के बाद NTR फिर से एक बार एक से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ निभाएंगे। इसी NTR को देवरा से जुड़ा जो पोस्टर रिलीज हुआ था दोस्तों, उसमें उनके आसपास समुद्र या पानी दिखाई देता है, जो कि दिखाने की कोशिश करता है कि उनका जो भी बिजनेस होगा वो समुद्र से जुड़ा होगा। मतलब कोई फिशरमैन का कैरेक्टर हो सकता है या कुछ और हो सकता है। जैसे एक्ट्रेसेस यानी कि जैसे एक्ट्रेस जानवी कपूर भी इस फिल्म से जुड़ने वाली हैं, जो संगम नाम का कैरेक्टर निभाएंगी। अब वो इस फिल्म में एक सीधी सादी लड़की बनती नजर आएंगी, पर ऐसा कहा जा सकता है कि वो किसी मिशन पर होंगी। मतलब फिशरमैन कम्युनिटी वाली मछुआरों की कम्युनिटी की कोई लड़की का कैरेक्टर वो निभा सकती हैं, जिसका असली मकसद होगा इलीगल बिजनेस को चलाने वाले का ट्रैप करना। तो फर्स्ट हाफ में शायद उनकी आइडेंटिटी और होगी, और सेकेंड हाफ में रिवील हो जाएगा कि वो अंडरकवर ऑफिसर है। पर इसमें देवरा है, बिजनेस और इलीगल कामों का कोई कनेक्शन है या नहीं, ये तो दोस्तों फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर तो कहानी में और भी ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, और ये सब तो अच्छा होगा तेलुगु डेब्यू करने वाली जानवी के लिए। वैसे सैफ अली खान भी इस फिल्म का हिस्सा है, जो भैरा नाम का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। अगर हम उनके कैरेक्टर के बारे में अंदाजा लगाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जानवी और उनके कैरेक्टर को कोई कनेक्शन हो, क्योंकि वो इस फिल्म के विलन होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि देवरा भी उनका टारगेट होगा, जिसके लिए वो अपनी सगी या सौतेली बेटी का इस्तेमाल करे या किसी और का। अब दोस्तों क्या होगा क्या नहीं, ये तो अब फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। आपका सुपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी पैन इंडिया स्टार जूनियर NTR और डायरेक्टर कोताला शिवा की अपकमिंग मूवी देवरा को लेकर ये तो कहा जा रहा था कि एक एक्शन और VFX से भरपूर होगी। मूवी के गाने भी जबरदस्त होंगे, पर उसी के साथ मूवी में लिटिल सरप्राइज भी रखा जाएगा, ऐसा भी कहा गया था, जिसमें नाम आया था अलू अर्जुन की बेटी अलू अरहा का, जो इस मूवी में नजर आएगी, ऐसा कहा गया था। अब कुछ सोर्सेस बताते हैं कि वो लीडिंग लेडी जानवी कपूर का यंगर वर्जन निभाते हुए नजर आ सकती हैं, जो कि क्वाइट पॉसिबल है, पर इसे लेकर कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं सच में ये प्रिंसेस मूवी से जुड़ने जा रही है या नहीं, पर ऐसा अगर हुआ तो मूवी को फायदा ही होगा, क्योंकि फिर अल्लू अर्जुन का फैन बेस भी इस मूवी से जुड़ जाएगा। वैसे ये जानवी कपूर से याद आया, ये किसी भी मूवी में काम करे, मतलब चाहे वो बॉलीवुड में काम करे या साउथ में करे, वो अपनी हर मूवी के किस्से सिर्फ एक ही काउच पर सुना सकती हैं, और वो है करण जौहर के शो कॉफी विद करण का काउच, जहाँ पर पता नहीं कुछ लोग बैकी बैकी बातें भी करते हैं, पता नहीं क्या जादू है उसका काउच में। खैर, पर यहीं पर जानवी ने अपनी मूवी देवरा को लेकर ये कहा था कि उनका ये तेलुगु रिव्यू है और वो जितना तमिल लैंग्वेज से फिल्मी फैमिलियर हैं उतना तेलुगु से नहीं, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी, जैसे शुरुआती दौर में उनकी माँ श्रीदेवी जी को भी हुई थी हिंदी सिनेमा में काम करते वक्त। तो ऐसे में जानवी देवरा के सेट पर क्या करती थी, तो वो डायलॉग सुनकर उसे रिपीट करने में टैलेंटेड है, तो वो डायलॉग ही रिपीट करती थी, उसको रिकॉर्ड करती थी और रिकॉर्डिंग मूवी के DOP को जाकर देती थी, और उसी की वजह से उन्हें सेट पर टेप रिकॉर्डर नाम दिया गया। वैसे ही तेलुगु को लेकर ये जो हाल ही है वो ठीक है, पर वो अभी तक हिंदी भी फ्लुएंटली नहीं बोल पाती और फिर भी ये लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वाओ। वैसे जूनियर NTR और मूवी की डायरेक्टर कोताला शिवा मूवी को लेकर एक फंदा आजमा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिस्टमैटिकली काम करना, यही उनका फंडा है, और वो एक डिसिप्लिन रखकर काम करते हैं तो मूवी का काम सही ढंग से पूरा होता है, जो मूवी की सक्सेस पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि कहाँ पर किसे प्रायोरिटी देनी है, कहाँ किसे कितना वक्त देना है और बेस्ट क्वालिटी देनी है, इसी क्लियर विजन के साथ शूटिंग हो रही है। खैर, जूनियर NTR ने हमेशा एक के बाद एक हिट दी है, जिसमें RRR से लेकर अब देवरा भी शामिल हो गई है। अब फिल्म का म्यूजिक लेबल लॉन्च हुआ है, 50 सीरीज का है। फिल्म देवरा पार्ट 1 के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा तैयार किया गया है। रविचंद्र ने नवंबर 2022 को म्यूजिक पर काम करना शुरू किया। फिल्म का फर्स्ट ग्लिम्स 8 जनवरी से आना शुरू होंगे। फिल्म के टाइटल की बात करें तो असल में देवरा का मतलब एक छोटा मोटा देवता या किसी प्रकार के देवता का मंदिर। असल में दुनिया में कई रहस्यमयी जनजाति रहती है। इन जनजातियों की अपनी परंपरा, रहन सहन और खान पान है, जिसके लिए ये लोग हमेशा चर्चा में रहते हैं। दुनिया में रहने वाली आदिवासी प्रजातियां आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती हैं। दोस्तों, ये जनजातियां
जिन जंगलों में रहती है उन पर उनका पूरा अधिकार होता है। वहाँ की सरकारें भी इन प्रजातियों के अधिकारों में दखल नहीं देती है। भारत में 30,000 पुराना कबीला है जिसकी रहस्यमयी परंपराएं दुनिया भर के लिए एक रहस्य है। भारत में रहस्यमयी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्थित है जहाँ पर हजारों साल पुराना कबीला मौजूद है। अंडमान निकोबार में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्थित है। बताया जाता है कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया है। वहां की सिर्फ एक ही तो तस्वीर देखने को मिलती है क्योंकि वहां की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। वहां पर कोई सेना या फिर पुलिस नहीं है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप का ये छोटा सा इलाका है। ये रहस्यमय द्वीप के चारों तरफ समुद्र और सब जंगल है। दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। निक्रीटो समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। बाहरी लोगों को यहाँ पर रहने वाले आदिवासी अपना दुश्मन मानते हैं। एनटीआर की देवरा इसी मिस्टीरियस इंडियन कोस्टल आइलैंड के स्टोरी पर बेस्ड है। देवरा के लिए फिलहाल एनटीआर एक रशिंग एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे जिसे समुन्दर और तूफानों के बीच में फिल्माया गया, जिसे हैदराबाद में एक स्पेशली क्रिएट किए गए सी सेटअप पर शूट किया गया। देवरा का बजट करीब 150 करोड़ है जो इसे टॉलीवुड के सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक बनाता है। तो हिसाब लगाया जाए तो फिल्म के बजट का 33.33% हिस्सा VFX पर खर्च होगा। ट्रिपल आर में जहां शेर के साथ मुकाबला था, 3 घंटे के समय में SS राजामौली ने ट्रिपल में रामायण, महाभारत, फ्रीडम, दोस्ती, रियलिटी, इमोशन और इंडियन फ्रीडम फाइटर के साथ दिलचस्प VFX भी भर दिए थे। जूनियर NTR और रामचरण की फिल्म RRR को उसकी लाजवाब लाइव एक्शन के लिए खूब पसंद किया गया। फिल्म का वो सीन काफी पॉपुलर हुआ था जिसमें जूनियर NTR ढेर सारे जंगली जानवरों के साथ तिरंगियों पर हमला करते हैं। इस सीन का एक VFX वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिल्म के सीन में देखा जा सकता था कि वो तेंदुए को फेंकते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, फिल्म के सीन में देखा जा सकता है कि जूनियर NTR बाघ से बच रहे हैं लेकिन VFX में वो अकेले नजर आते हैं। इस तरह फिल्म के इस सबसे शानदार सीन को बहुत ही सयानेपन के साथ फिल्माया गया था। इस बीच जानवी कपूर के अलावा देवरा सैफ अली खान की तेलुगु डेब्यू भी है। फिल्म को सुधा आर्ट्स और NTR आर्ट्स द्वारा बनाया जा रहा है और नंदमूरी कल्याण राम द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। 5 अप्रैल 2024 को फिल्म रिलीज होने वाली है। आपको फिल्म से क्या उम्मीदें हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। RRR के बाद NTR फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म देवरा के लिए काफी एक्साइटेड हैं। कोरताला शिवा की इस कोस्टल आइलैंड पर बेस्ड फिल्म में NTR एक नेवर सीन बिफोर अवतार में नजर आने वाले हैं। और अभी तक इस फिल्म ने हमें उनका सिर्फ एक फर्स्ट लुक पोस्टर ही दिया है। जी हाँ, जबकि इसके अलावा और कोई भी चीज रिलीज नहीं की गई है। लेकिन हम सभी फैंस के लिए एक्साइटिंग न्यूज ये है कि बहुत जल्दी देवरा का ग्लिम्स वीडियो आने वाला है हम सबके सामने। और इस बात की अपडेट नंदामूरी कल्याण राम जो देवरा को सुधाकर मिक्की ली नेनी और कोशा राजू हरी कृष्णा के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्होंने ही दी है। जी हाँ, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसी के दौरान उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म के साथ साथ देवरा को लेकर भी बात की और बताया कि फैंस इस फिल्म को लेकर अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने ये कंफर्म किया है कि देवरा की टीम फिल्म के क्लिप्स वीडियो के VFX पर काम कर रही है। लेकिन ये वीडियो कब तक बनकर तैयार होगा ये वो नहीं बता सकते क्योंकि फिल्म की टीम जब तक इस वीडियो के VFX से खुश नहीं हो जाती वो इस पर काम करते ही रहेंगे। और ये बात सही भी है, जल्दी जल्दी बिना अच्छी क्वालिटी वाला वीडियो रिलीज करने से तो अच्छा है कि वक्त लेकर बस अच्छा वीडियो बनाया जाए और फिर उसे रिलीज करें, क्योंकि आखिरकार ये फिल्म का पहला वीडियो कंटेंट जो होगा जो देखने के बाद ही फैंस फिल्म को लेकर अपनी राय बता पाएंगे कि वो इस फिल्म से क्या उम्मीद रखते हैं। हालांकि दोस्तों अब तक आए दोनों ही पोस्टर्स जिसमें NTR और जानवी कपूर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है उनकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वीडियो के लिए हमें इससे भी अच्छे VFX और CGI की उम्मीद है। इसके साथ ही नंदामूरी कल्याण राम ने यह भी बताया कि देवरा एक ह्यूज स्केल पर बनाई जा रही फिल्म है जिसका प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करने वाली है। इस पर से हम एक बात तो कह सकते हैं कि RRR के बाद NTR 2 सालों बाद कोई फिल्म लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये फिल्म भी RRR की तरह
एक बिग प्रोजेक्ट है जिसमें एक ऐसी स्टोरी है जिसे आज से पहले किसी बड़े बजट वाली फिल्म में नहीं दिखाया गया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि एनटीआर का किरदार कैसा होता है, क्या वो उनके भीम वाले किरदार की तरह ही होता है या फिर उससे भी बड़ा होने वाला है। तो आपको इस फिल्म से क्या उम्मीद है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वक्त जूनियर एनटीआर अपनी अपकमिंग फिल्म देवरा के लिए रशिंग एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं। समुंदर और तूफानों के बीच में फिल्माया जा रहा है जिसे हैदराबाद में एक स्पेशली क्रिएट किए गए सी सेटअप पर शूट किया जा रहा है। इस एक्शन सीक्वेंस में काफी सारे स्टंट्स और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि क्या वीएफएक्स का ज्यादा इस्तेमाल एक सी बेस्ड फिल्म का रियलिस्टिक एसेंस बनाए रखता है या फिर नहीं। साथ ही इससे ये भी पता चल रहा है कि देवरा के एक्शन के लिए जूनियर एनटीआर और फिल्म की टीम जी जान लगाकर काम कर रही है। साथ ही जूनियर एनटीआर इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि स्टंट की हर एक सिंगल डिटेल बॉलीवुड टीम अच्छे से कंपोज करे और विजुअल इफेक्ट के काम में भी इन्वॉल्व हो रहे ताकि वो इस पूरे प्रोसेस को समझ सके और इसे रीशेप करने में मदद भी कर सके। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जूनियर एनटीआर पूरा ख्याल रख रहे हैं कि आदि पुरुष के वीएफएक्स के साथ जो हुआ वो उनकी देवरा के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ये बात उन्होंने प्रभास की भूल से ही सीखी है। जूनियर एनटीआर की इन्वॉल्वमेंट फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी और साथ ही वो फिल्म के डायरेक्टर कोटाला शिवा के साथ भी स्क्रिप्ट्स और सीन्स पर डीपली कन्वर्सेशन कर रहे हैं और पूरी फिल्म को बारीकी से देख रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, हर एक प्रोसेस में इक्वली इन्वॉल्व हो रहे हैं। जूनियर एनटीआर का ऐसा डेडिकेशन देखकर हमें बॉलीवुड के किंग खान की जरूर याद आती है जो हमेशा से ही अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड रहे हैं और वो भी इन्वॉल्वमेंट के लिए ही जाने जाते हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म में काम करने की अपनी इमोशनल जर्नी को एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑडियो मैसेज भी शेयर किया था। जी हाँ, और उसमें वो जिस तरह से फिल्म को लेकर बातें कर रहे थे उस पर तो हम यही कह सकते हैं कि देवरा एक काफी इमोशनल मूवी होने वाली है। साथ ही इस फिल्म में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जाने वाली है जो बहादुर है और उनके लिए कोई खुदा नहीं है और वो अपने लैंड को ही अपनी माँ समझते हैं और उनके इस लैंड पर जब मुसीबत आएगी तब वो खुद देव बनकर उसका सामना करेंगे, जो फिल्म का टाइटल देवरा डिस्क्राइब कर रहा है। साथ ही ट्रिपल आर के बाद ये एनटीआर का पहला प्रोजेक्ट है और इसीलिए उनके ग्लोबल और इंडियन फैंस को उनसे कई सारी उम्मीदें हैं और शायद इसी वजह से वो अपनी इस फिल्म को अच्छे से दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं और कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। ये फिल्म वो अपने फैंस को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड इस फिल्म के लिए, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, फिल्म ट्रिपल आर के बाद पैन इंडिया सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को अपनी पॉपुलैरिटी वो भी इंटरनेशनल लेवल पर सस्टेन करके रखनी है और इसीलिए किसी भी हालत में उनकी अपकमिंग फिल्म देवरा को अप टू द मार्क बनाना ही पड़ेगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज है डायरेक्टर के सामने जिनका नाम है कोटाला शिवा, क्योंकि उन्हें एनटीआर की पॉपुलैरिटी और उन पर दिखाया गया यकीन दोनों का ध्यान रखना है वरना तो भैंस पानी में चली जाएगी। पर कुछ भी कहो, कोटाला शिवा और एनटीआर का जो एक फॉर्मूला फॉर सक्सेस था, क्या उसका कुछ फायदा हुआ? अब इनका क्या फॉर्मूला था वो आपको पहले बताते हैं। कोटाला शिवा ने अगर सबसे पहले किस चीज पर कंसंट्रेट किया होगा तो वो है एक्शन सीक्वेंसेस, फिर चाहे वो एनटीआर और बाकी फाइटर्स के बीच में हो या फिर फिल्म के विलन सैफ अली खान और एनटीआर के बीच में हो जो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शूट किए गए हैं। तो बेसिकली पहले उन पर ज्यादा फोकस किया गया, फिर कुछ ड्रामा सीक्वेंसेस पर फोकस किया गया और फिर सॉन्ग्स पर, और ये सब इसलिए क्योंकि इन सब में मेजर रोल प्ले करेगा वीएफएक्स। तो क्या यही फिल्म का असली हीरो है? वैसे फिल्म के हीरो का बहुत कुछ वीएफएक्स पर डिपेंड होता है। हाँ भाई, तो इसे हीरो भी तुम कह सकते हैं ना। खैर, तो बात यह है ना कि प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल में हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसा प्लान किया था ताकि जैसे ही सीक्वेंस शूट करेंगे वीएफएक्स का काम साइड बाय साइड होता रहेगा, क्योंकि उतना टाइम मिलेगा क्वालिटी वर्क के लिए और उससे काम टाइम पे भी हो जाएगा। और इतना सब कुछ करके अभी तक शूटिंग पूरी नहीं हो पाई, तो बताइए क्या कह रहा है इस पर।
तो इनका सक्सेस फॉर्मूला इनके फेवर में रहा या फिर नहीं, अब ये तो यही जाने। पर इसी सब चक्कर में ना फिल्म पोस्टपोन हो गई है, फैंस नाराज हो गए हैं, तो सब चिंता में चले गए हैं भाई अब क्या होगा। फिल्म को अच्छी रिलीज डेट मिलेगी भी या नहीं, कोटाला रिश्वत का बैंगन भरता ना बना दे, क्योंकि ट्रिपल आर के बाद अब किसी भी मामले में ना NTR कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके फैंस कर सकते हैं। वैसे इस प्रॉमिसिंग सिनेमैटिक वेंचर के लिए तमिल म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र ने बढ़िया गाने बनाए हैं ऐसा कहा जाता है, जिन्होंने थलापति की लियो और रजनीकांत की जेलर से सक्सेस टेस्ट किया है। अब अनिरुद्ध देवरा के लिए क्या स्पेशल कंपोज कर चुके हैं ये भी बहुत मायने रखता है फिल्म के सक्सेस में। वैसे तो उनके गाने चार्टबस्टर होते ही है तो म्यूजिक के मामले में गारंटी हम दे सकते हैं, पर फैंस को तो पूरी फिल्म की गारंटी चाहिए ना, और इनकी फाइनल रिलीज डेट भी चाहिए जो कि अभी तक नहीं आ पाई है। तो फिलहाल आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी जूनियर NTR ने अपनी फिल्म देवरा की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। पहले ये फिल्म 5 अप्रैल 2024 को सिनेमा घरों में उतरने वाली थी, यानी कि ईद से कुछ दिन पहले। इसी मौके पर अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब देवरा वालों ने ना उनका सरदर्द कम कर दिया है। अब देवरा 10 अक्टूबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां और अजय देवगन की पैदान की सीधी टक्कर होगी। बड़े मियां छोटे मियां को अली अब्बास जफर ने बताया है। बड़े स्केल की इस एक्शन फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पृथ्वीराज सुकुमार फिल्म के विलन बने हैं। दूसरी ओर मैदान में अजय देवगन ने इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे सैयद अब्दुल रहीम का रोल किया है। पिछले 3 साल से मैदान के लिए कई रिलीज डेट निर्धारित की गई, लेकिन किसी न किसी वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। दोस्तों पहले मेकर्स ने अनाउंस किया था कि मैदान 27 नवंबर 2020 को रिलीज होगी, लेकिन फिरोजदार कोरोना महामारी के चलते फिल्म पर काम पूरा नहीं हो पाया था और नतीजन फिल्म तय डेट पर रिलीज नहीं हो पाई थी। उसके बाद अजय देवगन ने अनाउंस किया कि 13 अगस्त 2021 को फिल्म सिनेमा घरों में उतर जाएगी। किसी कारणवश तब भी ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। मेकर्स ने अगली रिलीज डेट को कुछ महीने आगे खिसका दिया। बताया गया कि दशहरा यानी कि 15 अक्टूबर 2021 को फिल्म आएगी, तब भी ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद फरवरी 2022 को मैदान की अगली रिलीज डेट के तौर पर अनाउंस किया गया था, हालांकि ये फिल्म तब भी रिलीज नहीं हो पाई। मगर राजा मौली की RRR ठीक इसके एक महीने बाद सिनेमाघरों पर लग चुकी थी। मैदान के मेकर्स ने फिल्म घोषणा की कि अब उनकी ये फिल्म 3 जून 2022 को आएगी। उस तारीख पर भी कुछ नहीं हो पाया। मेकर्स की इतनी बार फिल्म खिसकाने से ना उसके इर्द गिर्द तरह तरह की बातें होने लगी थी। कहा जाने लगा कि फिल्म बजट से ऊपर चली गई है, इसलिए रिलीज नहीं हो पा रही है। मेकर्स ने परेशान होकर उसे डिब्बा बंद कर दिया। अब मैदान फाइनली 2024 पर रिलीज होने जा रही है। बाकी देवरा की बात करें तो फिल्म में जूनियर NTR के अलावा जानवी कपूर और सैफ अली खान भी नजर आएंगे। ये जानवी कपूर की पहली तेलुगु फिल्म होगी। उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बताया था कि यहाँ उनका कैरेक्टर खालिस कमर्शियल एंटरटेनर किस्म का होगा। बता दें कि देवरा को कुरदास शिवा ने डायरेक्ट किया है। जिया तो आपको मूवी का कितना इंतजार है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो। नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड दुनिया की अनटच जगहों में से एक है और ये है हमारे इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा। और कुछ वक्त पहले यहाँ पर एक अमेरिकन टूरिस्टर की मौत हो गई थी जो इस इल्लीगल आइलैंड को बिना किसी के परमिशन के डिस्कवर करने गया था। ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसके मेन आइलैंड के साथ कोई शिपिंग रूट्स जुड़े हुए नहीं है। 2011 में हुए सेंसस स्कोर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट एस्टीमेट के हिसाब से इस आइलैंड पर 80 से 150 लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पर अधिक से अधिक 500 और कम से कम 15 लोग हो सकते हैं और उन्हें सेंटाइनलेस पीपल कहा जाता है। ये लोग अंडमान के इंडेंजरस ग्रुप से कनेक्ट कार्टर है, लेकिन इस आइलैंड को इतने वक्त से आइसोलेटेड किया जा चुका है कि अंडमान के बाकी ग्रुप्स जैसे कि ओंज और जारावा उनकी लैंग्वेज भी समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ, एक पंडित की सिंगल विजिट के बाद उसने यहाँ पर रहने वाले इन लोगों की लाइफस्टाइल को डिस्क्राइब किया और उनके हिसाब से ये लोग हट्स में रहते हैं। बाउज और एरोज और स्पीयर्स एंड नाइफ जैसे वेपन्स उनके साथ होते हैं और ज्यादातर इन वेपन्स में आयरन ज्यादा होता है।
साल 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक इंडियन मर्चेंट शिप जिसमें 86 पैसेंजर्स और 20 क्रू मेंबर्स थे, वो इस आइलैंड के बीच पर किसी तरह पहुंच गए थे। वो यहाँ पर 3 दिनों तक रहे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा उन्होंने किया या फिर जो हुआ उनके साथ वो सही नहीं लगा और उन्होंने इस मामले में इंटरफेयर किया और इन विजिटर्स पर अपने तीर बाणों से हमला कर दिया। वेस्टर्न हिस्ट्री में सिर्फ इन विजिटर्स की साइड की ही स्टोरी को लिखा गया है, लेकिन सेंट्रल आइलैंड्स पीपल ने ऐसा क्यों किया ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन उसके बाद से ही इस आइलैंड पर कोई नहीं जाता है और जब कोई विजिटर जाता है तो उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। इस मिस्टीरियस आइलैंड को किलिंग आइलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ पर रहने वाले लोग अपने विजिटर्स को क्यों मार डालते हैं। ऐसे ही एक आइसोलेटेड और विडन आइलैंड की स्टोरी जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की आने वाली फिल्म देवरा में भी दिखाई जाने वाली है। दोस्तों इसलिए पॉसिबिलिटीज ये पूरी बनती है कि इस फिल्म में जो आइलैंड होगा वो अंडमान के मॉस सेंटिनल आइलैंड जैसा ही होगा और ये कहानी वही के लोगों की कहानी से इंस्पायर्ड होगी। साथ ही खबर ये भी आई है कि इस फिल्म में छोटी जानवी का रोल प्ले करने के लिए अल्लू अर्जुन की बेटी अल्लू आरा को कास्ट किया जाएगा। ये फिल्म आरा की दूसरी फिल्म होगी, इससे पहले उन्होंने सामंथा प्रभु के साथ शाकुंतलम में भी काम किया था जिसे गुना शेखर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के बाद सामंथा ने अल्लू आरा के टैलेंट की काफी तारीफ की थी और साथ ही बताया था कि उनकी तेलुगु लैंग्वेज में काफी अच्छी मास्टरी है। तो क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वक्त जूनियर एनटीआर अपनी अपकमिंग फिल्म देवरा के लिए रशिंग एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं। समुन्दर और तूफानों के बीच में फिल्माया जा रहा है जिसे हैदराबाद में एक स्पेशली क्रिएट किए गए सी सेटअप पर शूट किया जा रहा है। इस एक्शन सीक्वेंस में काफी सारे स्टंट्स और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि क्या वीएफएक्स का ज्यादा इस्तेमाल एक सी बेस्ड फिल्म का रियलिस्टिक एसेंस बनाए रखता है या फिर नहीं। साथ ही इससे ये भी पता चल रहा है कि देवरा के एक्शन के लिए जूनियर एनटीआर और फिल्म की टीम जी जान लगाकर काम कर रही है। साथ ही जूनियर एनटीआर इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि स्टंट की हर एक सिंगल डिटेल बॉलीवुड टीम अच्छे से कंपोज करे और विजुअल इफेक्ट के काम में भी इन्वॉल्व हो रहे ताकि वो इस पूरे प्रोसेस को समझ सके और इसे रीशेप करने में मदद भी कर सके। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जूनियर एनटीआर पूरा ख्याल रख रहे हैं कि आदि पुरुष के वीएफएक्स के साथ जो हुआ वो उनकी देवरा के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ये बात उन्होंने प्रभास की भूल से ही सीखी है। जूनियर एनटीआर की इन्वॉल्वमेंट फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी और साथ ही वो फिल्म के डायरेक्टर कोटाला शिवा के साथ भी स्क्रिप्ट्स और सीन्स पर डीपली कन्वर्सेशन कर रहे हैं और पूरी फिल्म को बारीकी से देख रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, हर एक प्रोसेस में इक्वली इन्वॉल्व हो रहे हैं। जूनियर एनटीआर का ऐसा डेडिकेशन देखकर हमें बॉलीवुड के किंग खान की जरूर याद आती है जो हमेशा से ही अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड रहे हैं और वो भी इन्वॉल्वमेंट के लिए ही जाने जाते हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म में काम करने की अपनी इमोशनल जर्नी को एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑडियो मैसेज भी शेयर किया था। जी हाँ, और उसमें वो जिस तरह से फिल्म को लेकर बातें कर रहे थे उस पर तो हम यही कह सकते हैं कि देवरा एक काफी इमोशनल मूवी होने वाली है। साथ ही इस फिल्म में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जाने वाली है जो बहादुर है और उनके लिए कोई खुदा नहीं है और वो अपने लैंड को ही अपनी माँ समझते हैं और उनके इस लैंड पर जब मुसीबत आएगी तब वो खुद देव बनकर उसका सामना करेंगे, जो फिल्म का टाइटल देवरा डिस्क्राइब कर रहा है। साथ ही ट्रिपल आर के बाद ये एनटीआर का पहला प्रोजेक्ट है और इसीलिए उनके ग्लोबल और इंडियन फैंस को उनसे कई सारी उम्मीदें हैं और शायद इसी वजह से वो अपनी इस फिल्म को अच्छे से दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं और कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। ये फिल्म वो अपने फैंस को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड इस फिल्म के लिए? देवरा की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है और कुछ वक्त पहले फिल्म के कोरियोग्राफर और एडिटर रत्ना पिल्लू सैन ने ट्वीट किया था कि हाल ही में उन्होंने एक ब्रूटल और ब्लडी एक्शन सीन शूट किया है जो चांद की रोशनी चमकते समुंदर के पास लोकेटेड होगा और बस इस एक सेंटेंस से हमारी इमेजिनेशन पहुंच गई समुंदर के पास जो चांद की रोशनी चमक रहा है और उसके किनारे पर एक वॉरियर लड़ रहा है अपने दुश्मन के साथ।
जिससे समुद्र का पानी खून से लाल हो रहा है और चांद की रोशनी से वो वॉरियर और प्यारा चमक रहा है। ऐसा डिस्क्रिप्शन में याद दिलाता है एनिमे की, जिसमें इस तरह की लोकेशन और सीन को दिखाया जाता है दोस्तों। और उनकी खास बात होती है एक्शन के बीच में दिखाए जाते स्लोमो, जो सीन में और भी शानदार लगते हैं। और हम देवरा से यही उम्मीद करते हैं कि जब एनटीआर यानी कि हमारे वॉरियर समुद्र के पास लड़ रहे हो तो उसमें इसी तरह से स्लोमो ऐड किया जाए। ये तो सर एक सीन का ही डिस्क्रिप्शन हमारे सामने अभी तक आ पाया है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये फिल्म एक फिडन आइलैंड की कहानी होने वाली है, तो इसमें समुद्र का एक काफी अहम हिस्सा होगा, ये तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा रियल लोकेशंस पर ही शूट किया जा रहा है, जी हाँ, ताकि इसे रियलिस्टिक बनाया जा सके। अगर फिल्म की कहानी की बात करें ना, तो काफी सारी बुकिंग साइट्स पर ऐसा प्लॉट बताया जा रहा है कि ये स्टोरी ऐसे लोगों की है जो पूरी जिंदगी डर कर जिए, लेकिन जब एक बंदा एक वॉरियर उनके बीच आया वो उनकी उम्मीद बना और वो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए देवरा यानी कि देव जैसा बना। ये डिस्क्रिप्शन ही काफी है हमें ये बताने के लिए कि जूनियर एनटीआर की ये फिल्म ना सिर्फ उनके करियर की बल्कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक नया एक्सपेरिमेंट होगी, क्योंकि आज तक हमने एक आइलैंड और उसके लोगों पर बेस्ड किसी फिल्म को नहीं देखा है। ये बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। साथ ही देवरा के भी दो पार्ट्स होने वाले हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि आजकल तो किसी भी फिल्म का दो या तीन पार्ट तो बन ही रहा है और ये ट्रेंड सा बन गया है, जिसकी शुरुआत बाहुबली सागर से हुई थी, यानी बाहुबली बना ट्रेंड सेटर और केजीएफ उस ट्रेंड को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला गया और आजकल तो सभी फिल्मों के दो पार्ट बन ही रहे हैं। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि देवरा पार्ट वन की स्टोरी को कैसे मोड़ पर खत्म किया जाता है। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। एक के बाद एक दमदार मूवीज आने का सिलसिला साल 2022 से ही शुरू हो चुका है, फिर वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो, काफी सारी अमेजिंग मूवीज आ चुकी है और काफी सारी आने वाली है। और इस साल के एंड के बाद यानी कि साल 2024 साउथ इंडियन मूवीज और हॉलीवुड मूवीज के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस साल पुष्पा, प्रोजेक्ट के और देवरा, जिसे एनटीआर 30 के नाम से जाना जा रहा था दोस्तों, ऐसी फिल्में भी आने वाली है। एनटीआर जूनियर की देवरा से ऑडियंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, जो 5 अप्रैल 2024 को आ रही है। ये फिल्म उनकी RRR की सक्सेस के बाद पहली बिग बजट मूवी होगी और जैसे पोस्टर्स सामने आए दोस्तों, उन सबसे हम फिल्म की कहानी जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस फिल्म के साथ अप्रैल 2024 में बॉलीवुड की बड़े मियां और छोटे मियां भी आने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर की जोड़ी देखने को मिलेगी। साथ ही इस फिल्म के साथ हॉलीवुड की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द वॉर ऑफ द रोहिरिम और मार्वल स्टूडियोज की डेडपूल 2 भी आने वाली है दोस्तों, और इन दोनों फिल्मों के लिए सभी काफी एक्साइटेड है। इसके अलावा पुष्पा 2 की रिलीजिंग डेट पक्की नहीं है और इस फिल्म को समर में रिलीज किया जाने वाला है। पॉसिबल है कि ये फिल्म अप्रैल 2024 में आए, और अगर ऐसा होता है तो दो बड़ी टॉलीवुड फिल्मों के बीच बड़ा क्लैश होने वाला है और इन सभी एक्साइटिंग फिल्मों से ऑडियंस का तो डबल एंटरटेनमेंट होने ही वाला है दोस्तों। दोस्तों इसके साथ ही जहां लैंड और वाटर लाइंस मिलती है उसे कहा जाता है कोस्टल लैंड, और हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% पानी है, जिसमें से सिर्फ 12% पानी को ही डिस्कवर किया गया है और बाकी का हिस्सा हिडन और मिस्टीरियस है। ऐसे एक हिडन कोस्टल लैंड की कहानी लेकर आ रहे हैं एनटीआर जूनियर अपनी मच अवेटेड फिल्म देवरा के साथ में, और इस मिस्टीरियस लैंड के लोग ना तो किसी देव से डरते हैं और ना ही किसी दानव से। यहाँ के लोग जितने करीब बीस्टर्स से हैं उतने ही दूर इंसानों से हैं। इस इंडियन कोस्टल लैंड के बारे में ना तो आज तक किसी ने सुना है और ना ही उसे देखा है, और यहाँ के रहने वाले लोग किसी से नहीं डरते, लेकिन हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है, वैसी ही कमजोरी इस मिस्टीरियस प्रजाति वाले लोगों की भी होगी और उन्हीं की कहानी को बयां करके जाएगी दोस्तों देवरा। साथ ही इस फिल्म में उनका साथ देने आ रही है जाह्नवी कपूर, जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, और यहाँ से उनका साउथ इंडियन फिल्मों में डेब्यू होगा, और दोस्तों अब उनकी और एनटीआर की जोड़ी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो क्या आप एनटीआर को एक नए अवतार में देखने के लिए एक्साइटेड है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। एक के बाद एक दमदार मूवीज आने का सिलसिला साल 2022 से ही शुरू हो चुका है, फिर वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो, काफी सारी अमेजिंग मूवीज आ चुकी हैं और काफी सारी आने वाली हैं। और इस साल के एंड के बाद यानी कि साल 2024 साउथ इंडियन मूवीज और हॉलीवुड मूवीज के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस साल पुष्पा, प्रोजेक्ट के और देवरा, जिसे एनटीआर 30 के नाम से जाना जा रहा था दोस्तों, ऐसी फिल्में भी आने वाली है।
एनटीआर जूनियर की देवरा से ऑडियंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, जो 5 अप्रैल 2024 को आ रही है। ये फिल्म उनकी RRR की सक्सेस के बाद पहली बिग बजट मूवी होगी और जैसे पोस्टर्स सामने आए दोस्तों, उन सबसे हम फिल्म की कहानी जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस फिल्म के साथ अप्रैल 2024 में बॉलीवुड की बड़े मियाँ और छोटे मियाँ भी आने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर की जोड़ी देखने को मिलेगी। साथ ही इस फिल्म के साथ हॉलीवुड की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द वॉर ऑफ द रोहिरिम और मार्वल स्टूडियोज की डेडपूल 2 भी आने वाली है दोस्तों, और इन दोनों फिल्मों के लिए सभी काफी एक्साइटेड है। इसके अलावा पुष्पा 2 की रिलीजिंग डेट पक्की नहीं है और इस फिल्म को समर में रिलीज किया जाने वाला है। तो पॉसिबल है कि ये फिल्म अप्रैल 2024 में आए, और अगर ऐसा होता है तो दो बड़ी टॉलीवुड फिल्मों के बीच बड़ा क्लैश होने वाला है, और इन सभी एक्साइटिंग फिल्मों से ऑडियंस का तो डबल एंटरटेनमेंट होने ही वाला है दोस्तों। दोस्तों इसके साथ ही जहां लैंड और वाटर लाइंस मिलती हैं उसे कहा जाता है कोस्टल लैंड, और हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% पानी है, जिसमें से सिर्फ 12% पानी को ही डिस्कवर किया गया है और बाकी का हिस्सा हिडन और मिस्टीरियस है। ऐसे एक हिडन कोस्टल लैंड की कहानी लेकर आ रहे हैं एनटीआर जूनियर अपनी मच अवेटेड फिल्म देवरा के साथ में, और इस मिस्टीरियस लैंड के लोग ना तो किसी देव से डरते हैं और ना ही किसी दानव से। यहाँ के लोग जितने करीब बीस्टर्स से हैं उतने ही दूर इंसानों से हैं। इस इंडियन कोस्टल लैंड के बारे में ना तो आज तक किसी ने सुना है और ना ही उसे देखा है, और यहाँ के रहने वाले लोग किसी से नहीं डरते, लेकिन हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। वैसी ही कमजोरी इस मिस्टीरियस प्रजाति वाले लोगों की भी होगी, और उन्हीं की कहानी को बयां करके जाएगी दोस्तों देवरा। साथ ही इस फिल्म में उनका साथ देने आ रही है जानवी कपूर, जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, और यहाँ से उनका साउथ इंडियन फिल्मों में डेब्यू होगा। और दोस्तों अब उनकी और एनटीआर की जोड़ी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो क्या आप एनटीआर को एक नए अवतार में देखने के लिए एक्साइटेड है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि देवरा की स्टोरी एक फॉरगॉटन आइलैंड के बारे में होने वाली है, तो एक ऐसा ही है दोस्तों एल्गी आइलैंड, जिसे हमने देखा है लाइफ ऑफ पीआई में, जिसे कार्निवोरस आइलैंड भी कहा जाता है। और दोस्तों इस फिल्म में दिखाया गया ये आइलैंड पैराडाइज और पुर्गाटरी के बीच का बैलेंस दिखाता है दोस्तों, जो रियल था, लेकिन किसी ने पीआई पटेल की बात नहीं मानी, क्योंकि इस आइलैंड को सिर्फ पीआई और पीटर पार्कर ने ही देखा और महसूस किया था, लेकिन इस आइलैंड पर जीवन नहीं था। लेकिन एनटीआर के फिल्म देवरा में जिस फॉरगॉटन कोस्टल आइलैंड की कहानी दिखाई जाने वाली है, उस पर जीवन है और लोग रहते भी हैं, जैसे दोस्तों लियोनार्डो दी कैप्रियो की फिल्म शटर आइलैंड में दिखाया गया था, जहां एक अलग ही प्रजाति के लोग रहते थे। वैसे ही देवरा में भी कुछ ऐसे ही एक आइलैंड की कहानी है जहां लोग रहते हैं, लेकिन इस कोस्टल आइलैंड के बारे में कोई नहीं जानता। जब तूफान या सुनामी जैसे नेचुरल इवेंट्स होते हैं, तब समुद्र के पास की जमीन धस जाती है दोस्तों, और जब उसके आसपास वाटर लाइन बढ़ जाती है, तब जमीन का एक हिस्सा बच जाता है जो समुद्र के पास लेकिन रहने लायक जमीन से दूर हो जाता है, और उसे ही कोस्टल आइलैंड कहा जाता है। इस फिल्म में जो आइलैंड दिखाया आने वाला है, उसकी खासियत यही है कि यहां पर इंसान एक अच्छी खासी जिंदगी जी सके, ऐसे सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जब वो बीमार हो जाते हैं तब उन्हें ठीक कर दे, ऐसे नेचुरल प्लांट्स भी वहां पर मौजूद हैं, और इन्हीं प्लांट या औषधि के लिए कुछ लोग इस आइलैंड को ढूंढते हुए आएंगे और इन लोगों की आसान जिंदगी में मुसीबतें पैदा कर देंगे। उनसे लड़ने के लिए और अपने आइलैंड को बचाने और उसे फिर से हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए यहां के लोग उनसे लड़ेंगे, और यही से देवरा की कहानी आगे बढ़ेगी दोस्तों। एनटीआर ने आज तक कई फिल्मों में क्या है, और वो अपनी फिटनेस की वजह से जाने जाते हैं। उनकी लेटेस्ट फिल्म RRR के लिए उन्होंने एक स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी, उन्होंने जंगलों में नंगे पांव जॉगिंग करने जैसी एक्सरसाइज भी की थी, और उनके इस हार्ड वर्क की वजह से इस फिल्म को ग्लोबली हिट भी करवा देते दोस्तों। एनटीआर के वर्कआउट रूटीन की बात की जाए तो वो रोज 4 घंटे जिम में बिताते हैं और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो भी करते हैं। साथ ही उन्होंने अपने फैंस को फिटनेस टिप देते हुए कहा है नो पेन नो गेन, और इस रूल को वो खुद भी फॉलो करते हैं। उन्हें स्पोर्ट्स भी काफी पसंद है, और इसलिए वो अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को एक्सरसाइज का हिस्सा बनाकर अपने फिटनेस ट्रेनिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उन्होंने अपने फिल्म के लिए 2018 में 3 महीनों में 20 किलो वजन कम किया था, तो वहीं RRR के लिए उन्होंने 9 किलो वजन बढ़ाया था, क्योंकि दोस्तों उस फिल्म में उनका किरदार एक फिजिकली स्ट्रांग इंसान का था। और अब फिर से देवरा के लिए उन्होंने वजन कम किया है, जो हम उनके फर्स्ट लुक पोस्टर में देख सकते हैं। वो हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं और उनकी डाइट में प्रोटीन रिच और हाई का फूड ही शामिल है। तो दोस्तों ये तो है एनटीआर का फिटनेस मंत्र, आपका फिटनेस मंत्र क्या है? डू लेट अस नो इन द कमेंट। देवरा, जिसे पहले एनटीआर 30 कहा जा रहा था, इस फिल्म का जब एनटीआर का फर्स्ट लुक सामने आया, इसमें वो समुद्र के बीचों बीच हाथ में नया बड़ा हथियार लेकर खड़े हैं, तब उनमें हमें RRR के भीम की झलक नजर आई। देवरा में उनका किरदार एक
हार ना मानने वाले और किसी से ना डरने वाले इंसान का है, और ऐसा ही कुछ भीम का भी किरदार था। और अगर उनके इन दोनों किरदारों के ड्रेसिंग स्टाइल की बात की जाए तो वो काफी सिमिलर है या एक जैसी है, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद भीम को हमने शेर से लड़ते हुए देखा था, और देवरा में भी हम एनटीआर को जानवरों से लड़ते हुए देखेंगे, क्योंकि ये फिल्म एक हिडन आइलैंड की कहानी पर बनी है, और ऐसे आइलैंड्स पर अलग तरह के जानवर तो होने वाले ही है। साथ ही भीम फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, और यहाँ पर एनटीआर के लुक को देखकर ही पता चलता है कि उनका ये कैरेक्टर भी माइटी स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एनटीआर के ये दोनों ही किरदार सिमिलर हैं, और उमराव भीम की तरह हम देवरा को भी पसंद करने वाले हैं। साथ ही ट्रिपल आर के बाद से ही हम सभी एनटीआर जूनियर और रामचरण की नेक्स्ट फिल्मों के इंतजार में, और ये दोनों ही अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर लगे हुए हैं, जिसमें जूनियर एनटीआर की देवरा उसका क्रेज अभी से ही काफी ज्यादा है, और इस यूनिक कहानी वाली फिल्म की स्टारकास्ट भी आई है सामने, जिसमें जूनियर एनटीआर का साथ देने आ रही है बॉलीवुड दिवा जानवी कपूर, जिनके फर्स्ट लुक पोस्टर उनका साड़ी और लंबे बालों के साथ एक अलग ही लुक नजर आ रहा है। उनके साथ ही इस फिल्म में सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं, जो पॉसिबली विलन के किरदार में होंगे। इन दोनों बॉलीवुड एक्टर्स के साथ प्रकाश राज, मुरली शर्मा और मेघा श्रीकांत जैसे साउथ इंडियन एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा है। फिल्म की स्टोरी एक मिस्टीरियस कोस्टल आइलैंड की कहानी पर बेस्ड है, और ये कास्टिंग ऐसी मिस्टीरियस फिल्म के लिए टोटली परफेक्ट है। साथ ही सैफ अली खान और जूनियर एनटीआर को आमने सामने देखना काफी दिलचस्प होगा। और जहां तक बात है प्रकाश राज की, तो वो इस फिल्म में भी KGF 2 की तरह एक नैरेटर का किरदार प्ले करेंगे ऐसा माना जा रहा है, और जानवी कपूर जूनियर एनटीआर के अपोजिट उनके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करेंगी। तो क्या आप भी है इस फिल्म के लिए एक्साइटेड? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पुष्पा 2 लियो प्रोजेक्ट के कंगुआ साउथ की कुछ बिग बजट मूवीज है जो साल 2024 में रिलीज होगी। इन फिल्मों के साथ ही साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा भी रिलीज होगी, जिससे कि एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे बताया गया है कि फिल्म का टीजर इस महीने रिलीज हो सकता है। बड़े बजट भी बन रही ये फिल्म खास है, क्योंकि ये एनटीआर की 30th फिल्म है। अब इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन और श्रीदेवी की लाडली जानवी कपूर साउथ सिनेमा में कदम रख रही है। फिल्म पर जोरों शोरों से काम चल रहा है, और हाल ही में फिल्म के एक्शन सीन शूट किए गए हैं। दोस्तों, जूनियर एनटीआर की ये फिल्म हाई टेक एक्शन ड्रामा होगी, और इसमें कई खास एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। ऐसे में फिल्म के हर सीन को लेकर काफी डिटेल में काम हो रहा है। इस कड़ी में हाल ही में फिल्म के लिए कुछ एक्शन सीक्वेंसेस की शूटिंग हुई है। ये एक्शन सीन काफी मुश्किल रहे, क्योंकि इन्हें कम रोशनी में शूट किया जाना था। जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा को शिवा कुरताला निर्देशित कर रहे हैं, जिस पर तेजी से काम चल रहा है, और सबसे फिल्म के महत्वपूर्ण एक्शन सीन को फिल्माया गया है। दरअसल देवरा की एक्शन सीन्स VFX परफेक्ट हो, इसलिए जूनियर एनटीआर और शिवा ने सबसे पहले एक्शन सीन फिल्माए हैं, ताकि VFX टीम को एडिटिंग का टाइम मिल जाए। कहानी की डिमांड के मुताबिक सीन अंधेरे में शूट होने थे, ऐसे में हैदराबाद स्टूडियो में बड़ा सेट तैयार किया गया था। कम रोशनी में 2 सप्ताह तक एनटीआर ने फिल्म के लिए एक्शन सीन शूट किए हैं। बता दें कि फिल्म में सैफ अली खान भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनका किरदार ग्रे शेड लिए होगा। वहीं जल्द जानवी कपूर भी फिल्म के लिए शूटिंग शुरू करेंगी। फिल्म अगले साल 5 अप्रैल को रिलीज होगी। आपको फिल्म का कितना इंतजार है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। तेलुगु एक्टर जूनियर एनटीआर अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी देवरा को लेकर पसीना बहा रहे हैं, जिसमें हमें उनके साथ साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर और विलेन के तौर पर एक्टर सैफ अली खान भी नजर आएंगे। इस पैन इंडिया मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं कौताला शिवा। इस मूवी को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये मूवी 2 पार्ट्स में बनाई जाएगी। वैसे ये मूवी अभी तक आई भी नहीं है, जो अगले साल 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है। पर उससे पहले इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर देना, इससे ये समझ में आ रहा है इसके मेकर्स फुल तैयारी में हैं।
वैसे मनी रत्नम की मूवी पोनियन सेल्वन पार्ट वन रिलीज होने से पहले ही उन्होंने सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसकी वजह से सबके होश उड़ गए थे। एसएस राजा मौली भी हैरान हो चुके थे। तो वहीं बॉलीवुड में मूवी ब्रह्मास्त्र रिलीज होते वक्त समझ आ गया था कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है, यानी कि ये एक ट्रेंड ही चल रहा है कि पार्ट वन रिलीज होने से पहले सीक्वल की अनाउंसमेंट कर देना। वैसे इस मूवी के मेकर्स का कहना है कि मूवी का कैनवास बहुत बड़ा है, इसे बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है, इसलिए दो पार्ट्स में मूवी बनेगी। डायरेक्टर कौतला श्रीवा का ये कहना है कि हम एक बैकड्रॉप कहानी बताने वाले हैं और इस मूवी के हर कैरेक्टर के बिग कैनवास की वजह से उसे डिटेल में एक्सप्लोर करने की जरूरत है। वैसे ये आइडिया बाद में डिसाइड किया गया। दरअसल मेकर्स पार्ट वन से कुछ पोर्शन एडिट करना चाहते थे ताकि वो मूवी को एडजस्ट कर सके, पर फिर उन्हें ऐसा लगा कि वो हर कैरेक्टर को जस्टिस नहीं दे रहे। उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए उन्होंने सोचा कि पार्ट वन को एक्सपैंड किया जाए। अब ये बात तो मूवी पुष्पा को लेकर भी हुई थी, जहां मूवी की कहानी एक पार्ट में खत्म नहीं हो सकती थी, इसलिए इसका दूसरा पार्ट लाया जा रहा है। वैसे देवरा में हमें फॉरेस्ट बैकड्रॉप की कहानी बताई जाएगी, जिसमें एक फॉरेस्ट माफिया से एनटीआर का मुकाबला होगा और वो इस मूवी में दो डिफरेंट शेड्स में नजर आएंगे। वैसे जानवी और एनटीआर की केमिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें ये दोनों पति पत्नी के कैरेक्टर में नजर आने वाले। तो बस देखते हैं कि देवरा को लेकर और क्या बढ़िया सरप्राइज मिलता है। आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड इस मूवी को लेकर? हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बेगमी हाउस में कोई ऐसा मच नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। यंग टाइगर जूनियर एनटीआर की अपकमिंग मूवी देवरा को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग खबर फैली हुई है, जिसके हिसाब से कौतला शिवा की इस डायरेक्टोरियल मूवी में लीडिंग पैन एंड एक्ट्रेस को एक स्पेशल सॉन्ग में किया जाने वाला है फीचर। लेकिन ये एक्ट्रेस कौन सी होगी, इस बात को सस्पेंस ही रखा गया है। लेकिन खबर ऐसी है कि एक बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है। साउथ के एआर रहमान कहे जाने वाले अनिरुद्ध एक इलेक्ट्रिफाइंग डांस नंबर करने वाले हैं कंपोज, जिसके लिए इस बड़ी हसीना को लिया जाने वाला है। अब ये कौन सी एक्ट्रेस है, ये तो हमारे लिए होने वाला है एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। लेकिन हमारा बिगेस्ट गेस है समांथा रुद्र प्रभुवर, जिन्होंने पुष्पा में ऊ अंडावा गाने से अपनी स्पेशल अपीयरेंस देकर सभी को घायल कर दिया था। इस मूवी की लीडिंग लेडी है जानवी कपूर, जो देवरा के साथ करने जा रही है अपना साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू। और साथ ही सैफ अली खान इस मूवी के मेन विलन होने वाले हैं, जो इससे पहले अजय देवगन की सुपरहिट मूवी तानहाजी दी अनसंग वॉरियर के भी मेन विलन थे और काफी अच्छा किरदार भी उन्होंने प्ले किया था। कौतला शिवा साउथ के जाने माने डायरेक्टर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी लास्ट मूवी आचार्य लोगों का दिल जीतने में नाकामयाब रही और उसके बाद उन्होंने देवरा की स्टोरी के लिए कई महीनों तक काम किया और जब उन्होंने एनटीआर के साथ कोलैब किया, तब से इस मूवी को लेकर सबकी उम्मीदें बहुत ही हाई है और लोग एनटीआर को ट्रिपल आर के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एनटीआर और दादा शिवा के इस डुओ ने जनाथा गारिश में एक साथ काम किया था, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब देवरा से भी यही उम्मीदें हैं। साथ ही देवरा 300 करोड़ जैसे बड़े बजट पर बनी मूवी है, जिसे एक साथ ही तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ में रिलीज किया जाने वाला है। देवरा की कहानी कैसे आइसोलेटेड आइलैंड के बारे में है, जिसे अबैंडन किया गया, लेकिन वहाँ एक प्रजाति रहती है जो इस आइलैंड को अपनी मातृभूमि मानते हैं और इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये एक नई तरह की मूवी है जो हमें समुंदर में एक आइसोलेटेड आइलैंड पर ले जाने वाली है। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आज से बाय बाय। बेगमी हाउस में कोई ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। टाइगर जूनियर एनटीआर की अपकमिंग मूवी देवरा को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग खबर फैली हुई है, जिसके हिसाब से कौतला शिवा की इस डायरेक्टोरियल मूवी में लीडिंग पैन एंड एक्ट्रेस को एक स्पेशल सॉन्ग में किया जाने वाला है फीचर। लेकिन ये एक्ट्रेस कौन सी होगी, इस बात को सस्पेंस ही रखा गया है। लेकिन खबर ऐसी है कि एक बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है। साउथ के एआर रहमान कहे जाने वाले अनिरुद्ध एक इलेक्ट्रिफाइंग डांस नंबर करने वाले हैं कंपोज, जिसके लिए इस बड़ी हसीना को लिया जाने वाला है। अब ये कौन सी एक्ट्रेस है, ये तो हमारे लिए होने वाला है एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। लेकिन हमारा बिगेस्ट गेस्ट है समांथा रुद्र प्रभुवर, जिन्होंने पुष्पा में ऊ अंडावा गाने से अपनी स्पेशल अपीयरेंस देकर सभी को घायल कर दिया था।
इस मूवी की लीडिंग लेडी है जानवी कपूर, जो देवरा के साथ करने जा रही है अपना साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू। और साथ ही सैफ अली खान इस मूवी के मेन विलन होने वाले हैं, जो इससे पहले अजय देवगन की सुपर हिट मूवी तानहाजी दी अनसंग वॉरियर के भी मेन विलन थे और काफी अच्छा किरदार भी उन्होंने प्ले किया था। कौताला शिवा साउथ के जाने माने डायरेक्टर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी लास्ट मूवी आचार्य लोगों का दिल जीतने में नाकामयाब रही और उसके बाद उन्होंने देवरा की स्टोरी के लिए कई महीनों तक काम किया और जब उन्होंने एनटीआर के साथ कोलैब किया तब से इस मूवी को लेकर सबकी उम्मीदें बहुत ही हाई है और लोग एनटीआर को ट्रिपल आर के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एनटीआर और दादा शिवा के इस डुओ ने जनाथा गारिश में एक साथ काम किया था, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब देवरा से भी यही उम्मीदें हैं। साथ ही देवरा 300 करोड़ जैसे बड़े बजट पर बनी मूवी है, जिसे एक साथ ही तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ में रिलीज किया जाने वाला है। देवरा की कहानी कैसे आइसोलेटेड आइलैंड के बारे में है, जिसे अबैंडन किया गया, लेकिन वहाँ एक प्रजाति रहती है जो इस आइलैंड को अपनी मातृभूमि मानते हैं और इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये एक नई तरह की मूवी है जो हमें समुंदर में एक आइसोलेटेड आइलैंड पर ले जाने वाली है। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय। कभी कभी हौसले को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। जूनियर एनटीआर और कौताला शिवा, जिन्होंने सबसे पहले जनता के राज में साथ काम किया था, एक बार फिर से पैन इंडिया प्रोजेक्ट देवरा के लिए साथ आए हैं। लेकिन एक मिनट गाइस, एनटीआर 30 का नाम जब से देवरा हुआ है, सबके मन में एक ही सवाल है, अरे बाबा ये देवरा 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 है क्या? तो आज हम इस पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा। असल में देवरा का मतलब है छोटा मोटा देवता या किसी प्रकार के देवता का मंदिर। तो फिल्म में सब एनटीआर को एक देवता के रूप में पूछते हुए दिखेंगे। देवरा ट्रिपल आर के एक्शन सीन के तर्ज काम कर रहा है, जिससे ये मच अवेटेड प्रोजेक्ट बन जाता है। वहीं अब देवरा की ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट में हासिल कर लिए गए हैं। जो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं वो इसके बड़े अमाउंट के कारण सदमे में है। नेटफ्लिक्स ने देवरा के लिए हिंदी सहित सभी भाषाओं के स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए हैं, जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उसे अभी उजागर नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं देवरा की कहानी को लेकर। तो दुनिया में कई रहस्यमयी जनजाति रहती है और इन जनजातियों की अपनी अपनी परंपरा, रहन सहन और खान पान है, जिसके लिए ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। दुनिया में रहने वाली आदिवासी प्रजातियां आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती हैं। ये जनजातियां जिन जंगलों में रहती है उन पर इनका पूरा अधिकार होता है। वहां की सरकारें भी इन प्रजातियों के अधिकारों में दखल नहीं देती है। भारत में भी 30,000 पुराना कबीला है, जिसकी रहस्यमयी परंपराएं दुनिया भर के लिए एक रहस्य है। भारत में रहस्यमयी नॉर्थ सेंटिनल आईलैंड स्थित है, जहां पर हजारों साल पुराना कबीला मौजूद है। अंडमान निकोबार में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्थित है। बताया जाता है कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। वहां की सिर्फ एक ही तो तस्वीर देखने को मिली है, क्योंकि वहां की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। वहां पर कोई सेना या फिर पुलिस नहीं है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप का ये छोटा सा इलाका है। ये रहस्यमयी द्वीप के चारों तरफ समुद्र और सिर्फ जंगल है। अब दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। निक्रिटो समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। बाहरी लोगों को यहाँ पर रहने वाले आदिवासी अपना दुश्मन मानते हैं। एनटीआर की देवरा इसी मिस्टीरियस इंडियन कोस्टल आइलैंड की स्टोरी पर बेस्ड है। देवरा के लिए फिलहाल एनटीआर एक रशिंग एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं, जिसे समुद्र और तूफानों के बीच में फिल्माया जा रहा है, जिसे हैदराबाद में एक स्पेशली क्रिएट किए गए सी सेट पर शूट किया जा रहा है, जिसमें ये शार्क से दो दो हाथ करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी वो ट्रिपल आर में शेर के साथ शूटिंग कर चुके हैं। देवरा के रिलीज की तारीख 5 अप्रैल 2024 है। तो दोस्तों फिलहाल आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कभी हौसले को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। ट्रिपल आर के साथ एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर देने के बाद फैंस जूनियर एनटीआर की 30th मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
देवरा नाम की ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी है और इसे भारी बजट पर बनाया गया है। अब इसके बारे में हमें जो लेटेस्ट अपडेट मिली है वो ये है कि कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा VFX पर खर्च किया जाएगा और ये मूवी के बजट का 33% है। कौतारा शिवा द्वारा निर्देशित ये मूवी जानवी कपूर की तेलुगु डेब्यू और उनकी और इंडिया के बीच पहली बार कोलैब का प्रतीक है, क्योंकि आपका एक महाकाव्य ब्लॉकबस्टर RRR के बाद नए सिरे से आ रही है तो उम्मीदें बहुत अधिक है और निर्माता सभी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। SS राजामौली निर्देशित मूवी की तरह ये भी ढेर सारी हाई ऑक्टेन एक्शन सीन से भरपूर होगी। टॉलीवुड की रिपोर्ट के अनुसार देवरा ने निर्माता ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है कि उनका प्रोजेक्ट टॉप लेवल का हो। पता चला है कि सभी एक्शन सीक्वेंस शूट कर लिए गए हैं और अब सारा कॉन्टेंट VFX टीम को भेज दिया गया है जो हॉलीवुड से है। पूरे बजट में से लगभग 50 करोड़ रुपए कथित तौर पर VFX पर खर्च किए जाएंगे जो बहुत ही बड़ा है। उससे पहले खबर आई थी कि देवरा का बजट करीब 150 करोड़ है जो इसे टॉलीवुड के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है। तो हिसाब लगाया जाए तो मूवी के बजट का 33% हिस्सा VFX पर खर्च होगा। RRR में जहां शेर के साथ मुकाबला था 3 घंटे समय में, SS राजामौली ने RRR में रामायण, महाभारत, फ्रीडम दोस्ती, रियलिटी मोशन और इंडियन फ्रीडम फाइटर के साथ इंटरेस्टिंग VFX भी भर दिए। जूनियर NTR और रामचरण की मूवी RRR को उसकी लार्जर देन लाइफ एक्शन के लिए खूब पसंद किया गया। मूवी का वो सीन काफी पॉपुलर हुआ जिसमें जूनियर NTR ढेर सारे जंगली जानवरों के साथ फिरंगियों पर हमला करते हैं। इसी सीन का एक VFX वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मूवी के इस सीन में देखा जा सकता था कि तेंदुए को फेंकते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, मूवी के सीन में देखा जा सकता है कि जूनियर NTR बाघ से बच रहे हैं लेकिन VFX में वो अकेले नजर आते हैं। इस तरह मूवी के इस सबसे शानदार सीन को बहुत ही सयोन पेन के साथ फिल्माया गया। इस बीच जानवी कपूर के अलावा देवरा सैफ अली खान की तेलुगु डेब्यू है। मूवी का निर्माण युवा सुधा आर्ट्स और NTR आर्ट्स द्वारा किया गया है और नंदमूरी कल्याण राम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संगीत अनिरुद्ध रविचंदन द्वारा रचित है। ये 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है। अब आप बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, आप सेफ रहें, बाय बाय। कभी हौसले को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। RRR के साथ एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर देने के बाद फैंस जूनियर NTR की 13th मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देवरा नाम की ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी है और इसे भारी बजट पर बनाया गया है। अब इसके बारे में हमें जो लेटेस्ट अपडेट मिली है वो ये है कि कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा VFX पर खर्च किया जाएगा और ये मूवी के बजट का 33% है। कौतारा शिवा द्वारा निर्देशित ये मूवी जानवी कपूर की तेलुगु डेब्यू और उनकी और NTR के बीच पहली बार कोलैब का प्रतीक है, क्योंकि आपका एक महाकाव्य ब्लॉकबस्टर RRR के बाद नए सिरे से आ रही है तो उम्मीदें बहुत अधिक है और निर्माता सभी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। SS राजामौली निर्देशित मूवी की तरह ये भी ढेर सारी हाई ऑक्टेन एक्शन सीन से भरपूर होगी। टॉलीवुड की रिपोर्ट के अनुसार देवरा ने निर्माता ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है कि उनका प्रोजेक्ट टॉप लेवल का हो। पता चला है कि सभी एक्शन सीक्वेंस शूट कर लिए गए हैं और अब सारा कॉन्टेंट VFX टीम को भेज दिया गया है जो हॉलीवुड से है। पूरे बजट में से लगभग 50 करोड़ रुपए कथित तौर पर VFX पर खर्च किए जाएंगे जो बहुत ही बड़ा है। उससे पहले खबर आई थी कि देवरा का बजट करीब 150 करोड़ है जो इसे टॉलीवुड के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है। तो हिसाब लगाया जाए तो मूवी के बजट का 33% हिस्सा VFX पर खर्च होगा। RRR में जहां शेर के साथ मुकाबला था 3 घंटे समय में, SS राजामौली ने RRR में रामायण, महाभारत, फ्रीडम दोस्ती, रियलिटी मोशन और इंडियन फ्रीडम फाइटर के साथ इंटरेस्टिंग VFX भी भर दिए। जूनियर NTR और रामचरण की मूवी RRR को उसकी लार्जर देन लाइफ एक्शन के लिए खूब पसंद किया गया। मूवी का वो सीन काफी पॉपुलर हुआ जिसमें जूनियर NTR ढेर सारे जंगली जानवरों के साथ फिरंगियों पर हमला करते हैं। इसी सीन का एक VFX वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मूवी के इस सीन में देखा जा सकता था कि तेंदुए को फेंकते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, मूवी के सीन में देखा जा सकता है कि जूनियर NTR बाघ से बच रहे हैं लेकिन VFX में वो अकेले नजर आते हैं। इस तरह मूवी के इस सबसे शानदार सीन को बहुत ही सयोन पेन के साथ फिल्माया गया। इस बीच जानवी कपूर के अलावा देवरा सैफ अली खान की तेलुगु डेब्यू है। मूवी का निर्माण युवा सुधा आर्ट्स और NTR आर्ट्स द्वारा किया गया है और नंदमूरी कल्याण राम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संगीत अनिरुद्ध रविचंदन द्वारा रचित है। ये 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है।
अब आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए, आप सेफ रहिए, बाय बाय। कभी कभी हौसले को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। कैसा है सैफ अली खान का लुक? क्या इस बार सैफ को अपनाएगी ऑडियंस? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोस। चलो एक और एक्टर का बर्थडे मनाते हैं जिसका बर्थडे आज है, यानी पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान जी का बर्थडे। पर आगे बढ़ने से पहले हैप्पी बर्थडे तो बनता है, सो हैप्पी बर्थडे सैफ अली खान। तो जन्मदिन के मौके पर अब हम तो उन्हें कुछ दे नहीं सकते, पर फिल्म देवरा की टीम ने उनका एक पोस्टर रिलीज कर उन्हें गिफ्ट दिया है जिसमें हम उन्हें भायराल नाम के कैरेक्टर में देख सकते हैं। वैसे आदि पुरुष के बाद उनका ये मेकओवर अच्छा लग रहा है, पर उम्मीद है कि आदि पुरुष की तरह इस बार वो ट्रोलर्स को बिल्कुल भी पसंद ना आए। दरअसल सैफ इस फिल्म में विलेन बनते नजर आने वाले हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि इस बार तो सैफ सेफ रहे। वैसे साउथ फिल्मों में डार्क थीम काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे KGF हो, पुष्पा हो या फिर अपकमिंग फिल्म कांगवा हो, जो हमें एक अलग दौर में लेकर जाती है। इस फिल्म की कहानी हमें फॉरेस्ट बैकड्रॉप के आसपास घूमती हुई नजर आएगी, जिसमें जूनियर NTR के दो शेड्स दिखाई देंगे और उनका मिशन होगा फॉरेस्ट माफिया से बदला लेना, जो सबका मसीहा बनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट माफिया के कैरेक्टर में हमें सैफ अली खान ही दिखाई देंगे क्योंकि वही विलन है। वैसे अगर सैफ अली खान के डार्क शेड्स के बारे में बात की जाए ना, तो उन्होंने इससे पहले अपनी वेब सीरीज तांडव में भी नेगेटिव कैरेक्टर किया था, जो अपनी पॉलिटिकल पावर के कारण खतरनाक पॉलिटिशियन है और जिसकी जिंदगी में भरे हुए हैं हजारों सीक्रेट्स। पर उसके बिल्कुल खिलाफ कैरेक्टर था फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में, जहां उन्होंने मुगल जनरल उदयभान राठौड़ का कैरेक्टर निभाया था। वैसे ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी जहां उनके काम को काफी ज्यादा पसंद किया गया क्योंकि उनके कैरेक्टर को जस्टिस देने में वो कामयाब रहे। तो वहीं ओमकारा और फिल्म लाल कप्तान में उनका नेवर सीन बिफोर अंदाज देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव शेड को निभाने का सैफ का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बस आदि पुरुष को छोड़कर, क्योंकि कैरेक्टर लिखे भी ऐसे थे जिसमें वो फिट बैठ सके। तो फिर देवरा में भी उनके कैरेक्टर को इसी तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है। वैसे इस फिल्म का सक्सेस जूनियर NTR की वजह से लगभग तय है, पर फिल्म के डायरेक्टर कोरताला शिवा के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म आचार्य, जो चिरंजीवी और रामचरण के साथ बनाई गई थी, उसमें उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, तो कोरताला शिवा के लिए ये एक जबरदस्त कमबैक होना चाहिए। वैसे सैफ अली खान को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब अगर कोलैबोरेशन कर ही लिया है तो तारीफ बटोर कर ही बॉलीवुड में वापस आ जाएं, इतना तो हम कह ही सकते हैं। और हमारी जानवी कपूर वो पीछे कैसे रह सकती हैं? ये श्रीदेवी की बेटी जरूर हैं, पर उनके अंदर वो जुनून जज्बा काफी कम दिखाई देता है। लोगों का अटेंशन खींचने में वो अभी भी कामयाब नहीं हो पाई, श्रीदेवी ने अपनी कुछ ही फिल्मों से साबित कर दिया। पर प्रकाश राज वो भी फिल्म का हिस्सा है, जो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं तो बाकी किसी का पता नहीं, पर NTR और प्रकाश की जोड़ी फिल्म को ऊपर ला सकती है। वैसे अल्लू अर्जुन की बेटी अरहा को भी ऑफर दिया गया था और वो फिल्म में कैमियो करेंगी, ऐसी अफवाह थी, पर अब अफवाह तो अफवाह हो सकती है, आगे क्या कह सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही अहम शख्स को तो हम भूल ही गए, जिनका नाम आज गली गली में घूम रहा है, अनिरुद्ध रविचंद्र जी, जो जवान और जेलर के बाद इस फिल्म का भी हिस्सा बन चुके हैं। वैसे तो फिल्म 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी, तो 2024 में एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म देखने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए कॉमेंट सेक्शन में। कभी कभी हौसले को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। RRR की वर्ल्ड वाइड सक्सेस के बाद NTR अब एक और ब्लॉकबस्टर की तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म देवरा एक मिस्टीरियस इंडियन कोस्टल आइलैंड की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें उनका साथ दे रही हैं जानवी कपूर, और ये उनका टॉलीवुड डेब्यू भी होगा। देवरा के लिए फिलहाल NTR एक रशिंग एक्शन सिक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं, जिसे समुन्दर और तूफानों के बीच फिल्माया जा रहा है, जिसे
हैदराबाद में स्पेशली क्रिएट किए गए सी सेटअप पर शूट किया जा रहा है। इस एक्शन सीक्वेंस में काफी सारे स्टंट्स और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या VFX का ज्यादा इस्तेमाल एक सी बेस्ड फिल्म का रियलिस्टिक एसेंस बनाए रखता है या फिर नहीं। साथ ही इससे ये भी मालूम चल रहा है कि देवरा के एक्शन के लिए NTR और फिल्म की टीम जी जान लगाकर काम कर रही है। साथ ही NTR इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि स्टंट की हर एक सिंगल डिटेल हॉलीवुड टीम अच्छे से कंपोज करे और विजुअल इफेक्ट्स के काम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि वो इस पूरी प्रोसेस को समझ सके और इसे रीशेप करने में भी मदद कर सके। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि NTR पूरा ख्याल रख रहे हैं कि आदि पुरुष के VFX के साथ जो हुआ वो उनकी देवरा के साथ ना हो और ये बात उन्होंने प्रभास की भूल से सीखी है। NTR की इन्वॉल्वमेंट फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और साथ ही वो फिल्म के डायरेक्टर कुरताला शिवा के साथ भी स्क्रिप्ट और सीन्स पर डीपली कन्वर्सेशन कर पूरी फिल्म की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। NTR का ऐसा डेडिकेशन देख हमें बॉलीवुड के किंग खान की जरूर याद आती है जो हमेशा से ही अपने डेडिकेशन और इन्वॉल्वमेंट के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों तो वहीं कुछ दिन पहले NTR ने इस फिल्म में काम करने की अपनी इमोशनल जर्नी को एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑडियो मैसेज भी शेयर किया था और उसमें वो जिस तरह से फिल्म को लेकर बातें कर रहे थे उस पर से तो हम ये कह ही सकते हैं कि देवरा एक इमोशनल फिल्म होगी। साथ ही इस फिल्म में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जाने वाली है जो बहादुर है और उनके लिए कोई खुदा नहीं है और वो अपनी लैंड को ही अपनी माँ समझते हैं और उनके इस लैंड पर जब मुसीबत आएगी तब वो खुद देव बनकर उसका सामना करेंगी, जो फिल्म का टाइटल देवरा डिस्क्राइब कर रहा है। साथ ही RRR के बाद ये NTR का पहला प्रोजेक्ट है और इसीलिए उनके ग्लोबल और इंडियन फैंस को उनसे कई उम्मीदें हैं और शायद इसी वजह से वो अपनी इस फिल्म को अच्छे से दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं और फैंस को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कभी हौसले को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। देवरा के लिए किस लुक में नजर आए जूनियर NTR? किस शख्स का हाथ है उनके मेकओवर के पीछे? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। जूनियर NTR, जिन्हें प्यार से तारक भी कहा जाता है, वो अपनी फिल्म देवरा को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। वैसे इस फिल्म का अगला शेड्यूल हैदराबाद में शूट होने वाला है। इस फिल्म का जो एक्शन सीक्वेंस शूट किया जाने वाला है वो भी फिल्म के विलन सैफ अली खान और जूनियर NTR के बीच नो ऑडियंस के लिए नेवर बिफोर सीन एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। वैसे जूनियर NTR ने एक स्पेशल वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वो फिल्म को लेकर अपनी इमोशनल जर्नी बता रहे थे। अब ये सब तो है ही, पर NTR ने इतना गजब का मेकओवर किया है आप देखते ही रह जाएंगे। एक अनोखा हेयर स्टाइल और बियर्ड लुक के साथ NTR ने सबको घायल कर दिया है। सोशल मीडिया पर और ऊपर से आंखों पर काला चश्मा, क्या बात है। पर इसके पीछे है कौन? इसके पीछे है सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम। अब इनका नाम कुछ नया नहीं है, ये रजनीकांत, प्रभास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के लिए काम कर चुके हैं। वैसे कुछ ही मिनटों में NTR की इस पिक्चर पर सोशल मीडिया ने बरसात की है लाइक्स और कमेंट्स की, क्योंकि ये तो होना ही था, है ना। इस फिल्म में NTR के साथ साथ हमें जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कोराताला शिवा और म्यूजिक कंपोजर रहे हैं अनिरुद्ध रविचंदन, जिनका म्यूजिक अभी धूम मचा रहा है फिल्म जवान के जरिए। वैसे देवरा रिलीज होने में अब 250 दिन बाकी है क्योंकि ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी, तो अब मेकओवर से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। तो आप भी फटाफट से जाइए और NTR के इस लुक पर अपना रिएक्शन दीजिए और इस वीडियो पर भी अपना रिएक्शन दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते इसको कर दीजिए। कभी कभी हौसले को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। RRR की वर्ल्ड वाइड सक्सेस के बाद NTR अब एक और ब्लॉकबस्टर की तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म देवरा एक मिस्टीरियस इंडियन कोस्टल आइलैंड की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें उनका साथ दे रही हैं जानवी कपूर और ये उनका टॉलीवुड डेब्यू भी होगा।
देवरा के लिए फिलहाल एनटीआर एक रशिंग एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं, जिसे समुन्दर और तूफानों के बीच फिल्माया जा रहा है, जिसे हैदराबाद में स्पेशली क्रिएट किए गए सी सेटअप पर शूट किया जा रहा है। इस एक्शन सीक्वेंस में काफी सारे स्टंट्स और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वीएफएक्स का ज्यादा इस्तेमाल एक सी बेस्ड फिल्म का रियलिस्टिक एसेंस बनाए रखता है या फिर नहीं। साथ ही इससे ये भी मालूम चल रहा है कि देवरा के एक्शन के लिए एनटीआर और फिल्म की टीम जी जान लगाकर काम कर रही है। साथ ही एनटीआर इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि स्टंट की हर एक सिंगल डिटेल हॉलीवुड टीम अच्छे से कंपोज करे और विजुअल इफेक्ट्स के काम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ताकि वो इस पूरी प्रोसेस को समझ सके और इसे रीशेप करने में भी मदद कर सके। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एनटीआर पूरा ख्याल रख रहे हैं कि आदि पुरुष के वीएफएक्स के साथ जो हुआ वो उनकी देवरा के साथ ना हो, और ये बात उन्होंने प्रभास की भूल से सीखी है। एनटीआर की इन्वॉल्वमेंट फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और साथ ही वो फिल्म के डायरेक्टर कुरताला शिवा के साथ भी स्क्रिप्ट और सीन्स पर डीपली कन्वर्सेशन कर पूरी फिल्म की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एनटीआर का ऐसा डेडिकेशन देख हमें बॉलीवुड के किंग खान की जरूर याद आती है, जो हमेशा से ही अपने डेडिकेशन और इन्वॉल्वमेंट के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, तो वहीं कुछ दिन पहले एनटीआर ने इस फिल्म में काम करने की अपनी इमोशनल जर्नी को एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑडियो मैसेज भी शेयर किया था, और उसमें वो जिस तरह से फिल्म को लेकर बातें कर रहे थे उस पर से तो हम ये कह ही सकते हैं कि देवरा एक इमोशनल फिल्म होगी। साथ ही इस फिल्म में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जाने वाली है जो बहादुर है और उनके लिए कोई खुदा नहीं है, और वो अपनी लैंड को ही अपनी माँ समझते हैं, और उनके इस लैंड पर जब मुसीबत आएगी तब वो खुद देव बनकर उसका सामना करेंगे, जो फिल्म का टाइटल देवरा डिस्क्राइब कर रहा है। साथ ही RRR के बाद ये एनटीआर का पहला प्रोजेक्ट है और इसीलिए उनके ग्लोबल और इंडियन फैंस को उनसे कई उम्मीदें हैं, और शायद इसी वजह से वो अपनी इस फिल्म को अच्छे से दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं और फैंस को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत। अभिनेता जूनियर एनटीआर ने बहुप्रतीक्षित महान कृति देवरा के अगले शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें एक इंटेंस वाटर सीक्वेंस शामिल है और इसे हैदराबाद में ही फिल्माया जाएगा। अभी हाल ही में हैदराबाद में फिल्म का एक्शन से भरपूर शेड्यूल पूरा करने के बाद निर्माता अब एक और महत्वपूर्ण सीक्वेंस फिल्माने के लिए बिल्कुल तैयार है। सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए फिल्म के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने ट्वीट किया कि बड़े पैमाने पर सीक्वेंस को करने के लिए एक छोटे से ब्रेक और कुछ रिहर्सल के बाद हम आज से देवरा के सेट पर वापस आ गए हैं। देवरा में इस वाटर सीक्वेंस में एनटीआर शार्क से दोनों हाथ करते दिखेंगे। इससे पहले उन्होंने अपनी फिल्म RRR में शेर के साथ पंगा लिया था। लगता है एनटीआर को अपनी जान जरा भी प्यारी नहीं है। ब्लॉकबस्टर के रूप में सफल और 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक देवरा ने दर्शकों की उम्मीदें वास्तव में ऊंची कर दी है। फिल्म के प्रमुख हिस्सों में से एक होने की उम्मीद है। इस सीक्वेंस का कुछ ऐसा होने की उम्मीद है जिसे दर्शकों ने जूनियर एनटीआर का प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा होगा, जो इसे फैंस के लिए और अधिक रोमांचन बना सकता है। एक हाई बजट फिल्म देवरा कोराटाला शिव द्वारा निर्देशित, युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स द्वारा निर्मित और नंदा मुरी कल्याण राम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, जिन्होंने जवान में भी म्यूजिक दिया है, और आर रत्नावेलु सिनेमेटोग्राफर है। इसके साथ KGF जैसी सुपरहिट मूवी बनाने वाले प्रशांत नील के साथ जूनियर एनटीआर काम करेंगे। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो जूनियर एनटीआर वॉर 2 में ऋतिक रोशन के साथ दो दो हाथ करते हुए नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि इस फिल्म को ब्रह्मास्त्र फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे, जिसमें ऋतिक रोशन के साथ ये पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। देवरा में जानवी कपूर और सैफ अली खान भी प्रमुख भूमिकाओं में है। ये फिल्म जानवी कपूर की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है। यह फिल्म 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। तो आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या एनटीआर बनने वाले हैं बेस्ट पैन इंडिया स्टार? क्या है नाम का मतलब?
आजकल फिल्में कैसी है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या वो सिर्फ एक भाषा में रिलीज होंगी या उन्हें पैन इंडिया स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। अब एक नया खिलाड़ी मैदान पर उतरने की तैयारी कर रहा है जिसने ऑलरेडी एक पैन इंडिया मूवी का हिस्सा बनकर इंडिया को ऑस्कर दिलाया था। समझदार को इशारा काफी है। मैं बात कर रही हूँ जूनियर एनटीआर की। जूनियर एनटीआर इज बैक मतलब बैंक, और वो भी अपने अकेले के दम पर एक पैन इंडिया मूवी के साथ जिसका नाम है देवरा। और देवरा का अर्थ होता है गॉड का देवता। देखो अभी के समय में तेलुगु इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्टर्स पैन इंडिया गेम का हिस्सा बन चुके हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। जब मैंने RRR देखी तो जूनियर NTR की हिंदी डबिंग मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उनके हिंदी डायलॉग्स बहुत परफेक्ट लग रहे थे और उन्होंने इसे खुद हिंदी में डब किया था। प्रभास की हाल ही में आई फिल्में जैसे साहो और राधे श्याम दोनों ने तेलुगु में अच्छा बिजनेस किया, लेकिन हिंदी में फिल्म नहीं चल पाई। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रभास की खराब डबिंग और इमोशनलेस डायलॉग डिलीवरी। ऑडियंस को इससे कनेक्ट होने में दिक्कत महसूस हुई। यही कारण है कि जूनियर NTR को एडवांटेज मिला और उन्होंने RRR के माध्यम से सभी को ये दिखा दिया था कि चाहे तेलुगु हो या हिंदी, वो दोनों ही भाषाओं में अपना कमांड रखते हैं और ऑडियंस उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाती है। वैसे भी आजकल मास सिनेमा का जमाना चल रहा है, लार्जर देन लाइफ मूवीज किसको देखना पसंद नहीं है, और विशेष रूप से यदि वो एक्शन पर आधारित हो। इसी कारण से मुझे लगता है कि जूनियर NTR सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार है और आगे भी अपना ये टैग बनाए रखेंगे, क्योंकि वो खुद हिंदी में अपने डायलॉग्स डब करते हैं। बाकी तेलुगु के स्टार्स चाहे अनु अर्जुन हो या फिर प्रभास, दोनों का हिंदी में कमांड काफी कमजोर है। हमें उन दोनों की रियल वॉइस सुनने को नहीं मिलती। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कब आएगी NTR 30? क्या है NTR 30 को लेकर खास अपडेट? क्यों है फैंस एक्साइटेड? दोस्तों, साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म NTR 30 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता कुणाला शिवा के साथ ये फिल्म कर रहे हैं जिसे अस्थाई रूप से NTR 30 का नाम दिया गया है। अभिनेता की ये मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म है। जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है ना, तब से फैंस इसके अपडेट के लिए काफी उत्सुक है। अब फिल्म के नाम और फर्स्ट लुक से जुड़ा नया अपडेट सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जूनियर NTR के जन्मदिन पर NTR 30 का फर्स्ट लुक और टाइटल रिलीज होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि मेकर्स अभिनेता के जन्मदिन पर फिल्म का पहला लुक और शीर्षक सोशल मीडिया पर जारी कर सकते हैं। खबर है कि NTR फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में खतरनाक अंदाज में नजर आएंगे, हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फैंस को फिल्म में जूनियर NTR का डबल रोल देखने को मिल सकता है। फिल्म में अभिनेता दोहरी भूमिका में नजर आएंगे जो एक पिता और पुत्र की होगी। फिल्म की कहानी एक मछुआरे समुदाय के जीवन पर आधारित होगी। जब समुदाय पर डकैतों और माफियाओं का खतरा होगा, तब NTR शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पर अपने समुदाय की रक्षा करेंगे। फिल्म का निर्देशन कुणाला शिवा कर रहे हैं। जनता गैराज के ब्लॉकबस्टर होने के बाद ये NTR और शिवा की दूसरी फिल्म होगी जिसमें कि वो एक साथ काम करने वाले हैं। NTR 30 5 अप्रैल 2024 को रिलीज हो सकती है। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इसके लिए अभिनेत्री अपना साउथ डेब्यू करने के लिए तैयार है। वहीं फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, RRR की दमदार सफलता के बाद अब जूनियर NTR इस फिल्म के जरिए फैंस का दिल जीतने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं। ये एक अखिल भारतीय फिल्म होगी, यानी कि ये देश भर में तमिल, तेलुगु और अन्य साउथ भाषा समेत हिंदी में भी रिलीज होगी। इसके बाद अभिनेता के पास निर्देशक प्रशांत नील के साथ एक एक्शन फिल्म है। वहीं निर्देशक वेत्री मारन ने भी अभिनेता के साथ काम करने की अफवाहों की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट बनेगा जरूर, लेकिन इसमें समय लगेगा। NTR 30 को पिछले साल के आखिरी में अनाउंस किया गया था। जब से फिल्म की आधिकारिक घोषणा हुई है, तभी से फैंस इसकी लीड एक्ट्रेस और विलन के किरदार को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और मेकर्स बड़े अपडेट की मांग कर रहे थे। लेकिन अब यकीनन फैंस को बहुत सारे अपडेट मिल गए होंगे। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है NTR 30 का, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए। क्या होगी फिल्म की कहानी? क्यों आजकल सभी फिल्मों के फर्स्ट लुक में दिखाया जाता है डार्कनेस? दोस्तों, जब से रॉकी भाई
वॉयलेंस 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 बोलकर चले गए है ना, तब से जितने भी राइटर और डायरेक्टर है ना, सभी के माइंड में सिर्फ यही डायलॉग रिपीट मोड में चल रहा है। क्योंकि अभी आने वाली हर इंडियन मूवीज और उनके फर्स्ट लुक पोस्टर को देख लीजिए, एनिमल हो, जवान हो, लियो हो, पुष्पा 2 हो, सालार हो और अब देवरा, इन सबके फर्स्ट लुक से हमें मेकर्स क्या दिखाने की प्रॉमिस कर रहे हैं। वॉयलेंस वॉयलेंस और वॉयलेंस, मतलब रॉकी भाई के डायलॉग का इतना असर हो गया है कि डायरेक्टर और राइटर के पास तो अब जवाब ही नहीं है यार। ये सब पहले से प्लान किया हुआ था, पर ये है कि आजकल हर मूवी का पोस्टर यही देखने को मिलता है जहां नायक कोई ना कोई बड़ा हथियार, खंजर, तलवार या फिर साइफ के साथ दिखाई देता है और उसके चारों तरफ बहुत सारी लाशें दिखाई देती है। ये लाशों वाली बात हमें दशहरा में देखने को मिली थी, कब्रिस्तान में देखने को मिली थी, सालार में देखने मिली है और अब देवरा में भी देखने को मिली। जो भी हो, ये सब है तो भाई ऑडियंस के लिए है और हम ऑडियंस को ये देखकर मजा भी आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है। इसीलिए ऐसी और फिल्म बनाते रहो, हम ऑडियंस देखते रहेंगे। हाँ तो और क्या, RRR के बाद जूनियर NTR की अगली फिल्म NTR 30 का फर्स्ट लुक पोस्टर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है, जिसके अंदर हमें इसका टाइटल और रिलीज डेट देखने को मिलता है। वो इसका टाइटल है देवरा। अब जिसको भी नहीं मालूम है उन्हें हम बता देते हैं कि देवरा का मतलब होता है फियर ऑफ गॉड। पोस्टर ने भी देवरा को द फियर ऑफ गॉड बोलकर इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये मूवी 5 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। इसमें जूनियर NTR के साथ साथ जानवी कपूर और सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी स्टोरी और वो क्या होने वाली है। देखिए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है क्योंकि अभी बस इसका पोस्टर निकला है। लेकिन डायरेक्टर के इंटरव्यू को अगर हम देखें ना, तो इतना तो जरूर मालूम चल रहा है कि इस फिल्म का कहानी जो होने वाला है वो भारत की एक ऐसी भूली हुई तकिया भूमि में स्थापित किया गया है जहाँ के लोग देवताओं से भी नहीं डरते हैं और ना ही मरने से डरते हैं। तो फिर ये किस चीज से डरते हैं? हो सकता है कि देवरा द गॉड ऑफ फियर से डरते हो, क्योंकि डायरेक्टर साहब के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन यहाँ सवाल आता है, क्यों, कैसे, इन सब का जवाब हमें मूवी देखने पर ही मिल पाएगा। हाँ, अगर डायरेक्टर के इंटरव्यू को अगर आप देखना चाहते हो ना, तो आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, तो अब मौत से ना डरने वाले, किसी देवता से ना डरने वाले वहाँ के लोग ऐसा कौन सा गलत काम करेंगे कि उन्हें देवरा से डरना पड़ेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसमें समुन्दर और देवरा का खंजर हमेशा देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अनाउंसमेंट पोस्टर में देख लीजिए, फर्स्ट लुक पोस्टर में देख लीजिए या फिर इसके टाइटल में देख लीजिए, हर जगह हमें यही दो चीजें देखने को मिल रही है। टाइटल में भी हम देख सकते हैं कि हथियार से पूरा टाइटल बना हुआ है और समुद्र का संकेत देने के लिए इसमें एक सिक्का को दिखाया गया है, क्योंकि यही तो भौकाल सीक्वेंस हमें पूरी मूवी में देखने को मिलेगी। एक वीडियो फोटो को समय पहले सामने आई थी जहां डायरेक्टर को एक शिप वाला सीक्वेंस को प्लान करते हुए हम देख सकते हैं। सही है, RRR में हम NTR को थोड़ा भोला अवतार में देखने के बाद अब हमें उन्हें इस लुंगी गमछा के साथ खंजर पकड़ता हुआ भौकाल देवरा कैरेक्टर में देखने वाले हैं। और इसके लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। और आप, वैसे भी पायलट्स ऑफ कैरेबियन जैक स्पैरो को काफी टाइम हो गया है देखे, तो समुद्र वाली एक्शन सीक्वेंस का बहुत याद आ रहा था। अब ये कमी देवरा पूरा करेगा, इसलिए मैं तो काफी खुश हूँ। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या होगी स्टोरी? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। कहां स्पॉट करा गया जानवी को? कैसा था जानवी का अलग स्टाइल? क्या कहा फैंस ने जानवी को लेकर? जानवी कपूर बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है। उनकी सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। जानवी कपूर अक्सर अपने स्टाइलिश लुक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी रहती है। वो अपने फैशन चॉइस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आती है। हाल ही में ये एक्ट्रेस मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई है। इस दौरान ये एक्ट्रेस समर आउटफिट में काफी फ्रेश और फैशनेबल लग रही थी। लेकिन इस बार एक्ट्रेस के आउटफिट से ज्यादा उनके तकिए ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है। बता दें कि जानवी पहली बार साउथ में डेब्यू करने जा रही है। वो जूनियर NTR के साथ देवरा फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आएंगी। एयरपोर्ट से जानवी का ये वीडियो सामने आने के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं। एक यूजर कमेंट करते हुए लिखता है, तकिया लेकर कहां जा रही हो? तो वहीं दूसरे यूजर लिखते हैं, हाँ तकिया जरूरी है और ये सुंदर ड्रेस।
अन्य कई यूजर्स ने भी एक्ट्रेस की ड्रेस और लुक की जमकर तारीफ की है और एक दो ने तो ये तक कहा कि देवरा फिल्म की शूटिंग से परेशान जानवी। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए उनके फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानवी कपूर अक्सर अपने स्टाइलिश लुक्स के चलते चर्चा में बनी रहती है, पर इस बार उनका फैंस को अलग ही अंदाज देखने को मिला। अगर वर्क फ्रंट पर बात करें तो इन दिनों जानवी कपूर काफी व्यस्त चल रही है। ये एक्ट्रेस बैक टू बैक कई फिल्मों में नजर आने वाली है। बात करें जानवी की फिल्म देवरा की तो अभी इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज हो चुका है जो फैंस को बहुत पसंद आया। ये फिल्म एक्ट्रेस के करियर के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो जानवी कपूर मिस्टर एंड मिसेज माही में नजर आने वाली है। इस फिल्म में जानवी कपूर के साथ राजकुमार राव मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। जानवी और राजकुमार पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर किसी एक्टर की काबिलियत का पता लगाना हो तो उसकी आंखों से की जाने वाली एक्टिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो कितना उम्दा एक्टर है। और हमारे इंडस्ट्री के किंग खान यानी कि शाहरुख खान तो इस चीज के लिए बहुत ही फेमस है। शाहरुख खान को डायलॉग्स बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस अपनी आंखों से और फेसेस एक्सप्रेशन की मदद से ही हमेशा बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं और इमोशनल सीन्स करना तो उनका प्लस पॉइंट है। अब चक दे इंडिया में ही देख लीजिए, जब उनकी टीम जीत गई थी तो ऐसा सच में लग रहा था उनके एक्सप्रेशंस को देखने से कि वो सच में हॉकी टीम के कैप्टन हो और सालों बाद उनकी टीम जीती हो। इतने मस्त एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए थे। अब जब उनकी फिल्म डंकी आने वाली है तो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये इमोशंस पर बेस्ड एक कहानी होने वाली है और लव स्टोरी होने वाली है और ये दोनों ही जॉनर्स शाहरुख के प्लस पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इस बार डंकी मूवी शाहरुख की सबसे बेस्ट मूवी साबित होने वाली है। शाहरुख का ये कहना है कि ये मूवी अपने घर वापस लौट रहे लोगों की कहानी है तो इमोशंस होना तो तय ही है। साथ ही में आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से इस बार शाहरुख की जोड़ी तापसी के साथ दिखने वाली है, तो इस फिल्म में काफी कुछ होने वाला है और ये फिल्म बहुत ही अच्छा इमोशनल वेव हमारे लिए लेकर आने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हैं इसे देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 2023 में एक से एक ऑसम मूवीज निकलकर सामने आ रही हैं और इसी के बीच अब शाहरुख खान ने जब 4 साल बाद कमबैक किया है तो उनकी पठान को जो रिस्पॉन्स मिला है ये देखकर ये पूरा तय है कि इस बार उनकी आने वाली हर मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। साथ ही लोग डंकी की कहानी सुनने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस ही नहीं बल्कि देश के बाहर की ऑडियंस भी ये मूवी देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि शाहरुख खान ने इस मूवी के बारे में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बात की थी और तभी से वहां के लोगों को इसे जानने की दिलचस्पी है। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इस फिल्म में इलीगल इमिग्रेशन की कहानी को दिखाया जाने वाला है, तो अब क्योंकि इस मूवी में खूब सारा इमोशन भरा हुआ होगा तो इसीलिए शाहरुख की ये मूवी काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक की उनकी सारी फिल्मों से ये बेस्ट फिल्म होगी और सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ेगी। जहां एक तरफ जवान के OTT राइट्स को लेने के लिए सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के बीच में बहुत ही बड़ी जंग छिड़ी हुई थी, वहीं डंकी के OTT राइट्स बड़े ही आसानी से जियो एंटरटेनमेंट ने खरीद लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जियो स्टूडियोज को मिल चुके हैं इस मूवी के राइट्स और ये पता तब चला था जब जियो स्टूडियोज ने अपनी 100 से ऊपर मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट साझा की थी जो अब उनके प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली है, जिसमें से भेड़िया 2 भी शामिल है और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 भी शामिल है। डंकी भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। साथ ही जियो स्टूडियोज ने अली अब्बास जफर और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स के साथ टाई अप कर लिया है जिनकी मूवीज अब इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी, तो अब नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम को टक्कर देने के लिए इंडिया का OTT प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से निकल कर सामने आ रहा है और डंकी फिल्म भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी आफ्टर रिलीज। आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। क्या एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं सैफ, क्या हो सकता है खास देवरा फिल्म में, सैफ ने किस फिल्म में निभाया चैलेंजिंग किरदार? दोस्तों, इन दिनों सैफ अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में वो लंकेश की भूमिका में नजर आने वाले हैं। बिग बजट बनने वाले इस फिल्म में सैफ ने अपने लंकेश किरदार से एक एक्सपेरिमेंट किया है। इस तरह किरदार सैफ पहली बार निभा रहे हैं, फैंस भी उनको इस अवतार में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सैफ ने कुछ अलग हटकर करने की ठानी है और साथ ही साथ वो अपनी अगली फिल्म
देवरा की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें वो जूनियर एनटीआर के सामने नजर आएंगे, यानी वो विलन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में इन दोनों के अलावा जानवी कपूर भी नजर आएंगी, जो उनकी पहली साउथ मूवी होगी, यानी कि वो इस फिल्म से साउथ में डेब्यू करने वाली है। सैफ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है, वो अपने फिल्मों और किरदारों से प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने अपने करियर में अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक्टर अक्सर इस तरह की फिल्में करते हैं जिसका थीम कुछ अलग और हटकर हो। 10 साल पहले फिल्म वो गोवा गॉन में भी सैफ ने ऐसा चैलेंजिंग किरदार निभाया था, जिसे निभाने के लिए पहले कई अभिनेताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये भारत की पहली जॉम्बी फिल्म होने के साथ ही सैफ अली खान के करियर की बेस्ट फिल्म भी थी। इस फिल्म में उन्होंने बोरिस नाम का किरदार निभाया था, जो जॉम्बी हंटर होता है। बता दे, कहा यह भी जा रहा है कि वो देवरा फिल्म में भी कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। वो क्या होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है। हालांकि राज निधि मोरू और कृष्णा डीके के निर्देशन बनी गो गोवा गॉन फिल्म में अपने रोल को लेकर सैफ उस दौरान जितना एक्साइटेड थे उतने ही कंफ्यूज थे। फिल्म के डायरेक्टर ने बॉलीवुड हंगामा को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्म की कहानी जानने और जॉम्बी के बारे में पता लगने पर बहुत से कलाकारों से बात की, लेकिन सभी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। जब सैफ अली खान को वो गोवा गॉन की स्टोरी बताई गई तो उन्होंने कहा था कि ये बेवकूफी है, लेकिन मैं इसे करना चाहता हूँ। साल 2013 में आई इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। फिल्म की कहानी के साथ साथ सैफ की कॉमेडी और एक्शन दोनों को ही काफी पसंद किया गया था। वो गोवा गॉन 19 करोड़ के बजट में बनी थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। वो गोवा गॉन सैफ अली खान के करियर के साथ ही कुणाल खेमू, पूजा गुप्ता, वीरदास और आनंद तिवारी के करियर को भी एक नई दिशा मिली थी। ये उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है। अब देखना ये होगा कि अब देवरा फिल्म हिट होती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। क्या एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं सैफ, क्या हो सकता है खास देवरा फिल्म में? सैफ ने किस फिल्म में निभाया चैलेंजिंग किरदार? दोस्तों, इन दिनों सैफ अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में वो लंकेश की भूमिका में नजर आने वाले हैं। बिग बजट बनने वाले इस फिल्म में सैफ ने अपने लंकेश किरदार से एक एक्सपेरिमेंट किया है। इस तरह किरदार सैफ पहली बार निभा रहे हैं। फैंस भी उनको इस अवतार में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सैफ ने कुछ अलग हटकर करने की ठानी है, और साथ ही साथ वो अपनी अगली फिल्म देवरा की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें वो जूनियर एनटीआर के सामने नजर आएंगे, यानी वो विलन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में इन दोनों के अलावा जानवी कपूर भी नजर आएंगी, जो उनकी पहली साउथ मूवी होगी, यानी कि वो इस फिल्म से साउथ में डेब्यू करने वाली है। सैफ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है, वो अपने फिल्मों और किरदारों से प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने अपने करियर में अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक्टर अक्सर इस तरह की फिल्में करते हैं जिसका थीम कुछ अलग और हटकर हो। 10 साल पहले फिल्म वो गोवा गॉन में भी सैफ ने ऐसा चैलेंजिंग किरदार निभाया था, जिसे निभाने के लिए पहले कई अभिनेताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये भारत की पहली जॉम्बी फिल्म होने के साथ ही सैफ अली खान के करियर की बेस्ट फिल्म भी थी। इस फिल्म में उन्होंने बोरिस नाम का किरदार निभाया था, जो जॉम्बी हंटर होता है। बता दे, कहा ये भी जा रहा है कि वो देवरा फिल्म में भी कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। वो क्या होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है। हालांकि राज निधि मोरू और कृष्णा डीके के निर्देशन बनी गो गोवा गॉन फिल्म में अपने रोल को लेकर सैफ उस दौरान जितना एक्साइटेड थे उतने ही कंफ्यूज थे। फिल्म के डायरेक्टर ने बॉलीवुड हंगामा को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्म की कहानी जानने और जॉम्बी के बारे में पता लगने पर बहुत से कलाकारों से बात की, लेकिन सभी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। जब सैफ अली खान को वो गोवा गॉन की स्टोरी बताई गई तो उन्होंने कहा था कि ये बेवकूफी है, लेकिन मैं इसे करना चाहता हूँ। साल 2013 में आई इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। फिल्म की कहानी के साथ साथ सैफ की कॉमेडी और एक्शन दोनों को ही काफी पसंद किया गया था। वो गोवा गॉन 19 करोड़ के बजट में बनी थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। वो गोवा गॉन सैफ अली खान के करियर के साथ ही
कुणाल खेमू, पूजा गुप्ता, वीरदास और आनंद तिवारी के करियर को भी एक नई दिशा मिली। ये उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है। अब देखना ये होगा कि अब देवरा फिल्म हिट होती है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। कैसे शुरू हुआ जूनियर एनटीआर का करियर, किस में कसर नहीं छोड़ना चाहते थे एनटीआर, जूनियर एनटीआर ने अब तक कितनी हिट फिल्में दी है। जूनियर एनटीआर ने कुछ टाइम पहले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। पहले वो तेलुगु सिनेमा में लोकप्रिय थे, लेकिन अब वो एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं क्योंकि उनकी हालिया फिल्म RRR ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई के साथ साथ ऑस्कर भी जीता है। वो अगली बार डायरेक्टर कोर्टाला शिवा की देवरा और प्रशांत नील की NTR 31 में नजर आएंगे। लेकिन अब यहाँ हम उनके अब तक के सफर के बारे में जानते हैं। जूनियर NTR 17 साल के थे जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत निन्नू चूड़ालानी के साथ की थी। 22 साल बाद वो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर RRR में से एक का हिस्सा है जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। फिल्म निन्नू चूड़ालानी VR प्रताप द्वारा निर्देशित और रामोजी राव द्वारा निर्मित थी। इससे पहले NTR बाला रामायण में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए थे। जूनियर NTR और SS राजामौली ने पहली बार स्टूडेंट नंबर 1 के लिए सहयोग किया था। इसके बाद NTR के करियर में गर्मी और ठंडक बढ़ गई क्योंकि उन्होंने सुब्बू, नागा जैसी कई हिट फिल्में दी और NTR ने इन फिल्मों के साथ बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स हासिल किए। उस वक्त NTR महज 19 वर्ष के थे, तब तक वो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन चुके थे। जूनियर NTR का करियर हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा है। वो एक या दो असफलताओं के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की हमेशा कोशिश करते हैं। देवरा का मोशन पोस्टर अभी आउट हो गया है। बात अगर उनके पर्सनल लाइफ की करें तो जूनियर NTR को अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। उन्होंने 5 मई 2011 को लक्ष्मी से शादी की और उनके दो बच्चे हैं जिनके नाम नंदामूरी अभिराम और नंदामूरी भार्गव है। जब वो शूटिंग नहीं कर रहे होते तो NTR अपने परिवार के साथ आराम करते नजर आते हैं। अब वो देवरा में नजर आने वाले हैं जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, बस अब इस मूवी के सीन शूट होना बाकी रह गए हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में हमें जरूर बताएं। क्या एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं सैफ, क्या हो सकता है खास देवरा फिल्म में, सैफ ने किस फिल्म में निभाया चैलेंजिंग किरदार। दोस्तों इन दिनों सैफ अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में वो लंकेश की भूमिका में नजर आने वाले हैं। बिग बजट बनने वाले इस फिल्म में सैफ ने अपने लंकेश किरदार से एक एक्सपेरिमेंट किया है। इस तरह किरदार सैफ पहली बार निभा रहे हैं। फैंस भी उनको इस अवतार में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सैफ ने कुछ अलग हटकर करने की ठानी है और साथ ही साथ वो अपनी अगली फिल्म देवरा की तैयारी भी कर रहे हैं जिसमें वो जूनियर NTR के सामने नजर आएंगे, यानी वो विलन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में इन दोनों के अलावा जानवी कपूर भी नजर आएंगी जो उनकी पहली साउथ मूवी होगी, यानी कि वो इस फिल्म से साउथ में डेब्यू करने वाली है। सैफ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है। वो अपने फिल्मों और किरदारों से प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने अपने करियर में अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक्टर अक्सर इस तरह की फिल्में करते हैं जिसका थीम कुछ अलग और हटकर हो। 10 साल पहले फिल्म गो गोवा गॉन में भी सैफ ने ऐसा चैलेंजिंग किरदार निभाया था जिसे निभाने के लिए पहले कई अभिनेताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये भारत की पहली जॉम्बी फिल्म होने के साथ ही सैफ अली खान के करियर की बेस्ट फिल्म भी थी। इस फिल्म में उन्होंने बोरिस नाम का किरदार निभाया था जो जॉम्बी हंटर होता है। बता दें कहा ये भी जा रहा है कि वो देवरा फिल्म में भी कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। वो क्या होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है। हालांकि राज निधि मोरू और कृष्णा डीके के निर्देशन बनी गो गोवा गॉन फिल्म में अपने रोल को लेकर सैफ उस दौरान जितना एक्साइटेड थे उतने ही कंफ्यूज थे। फिल्म के डायरेक्टर ने बॉलीवुड हंगामा को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्म की कहानी जानने और जॉम्बी के बारे में पता लगने पर बहुत से कलाकारों से बात की, लेकिन सभी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। जब सैफ अली खान को गो गोवा गॉन की स्टोरी बताई गई तो उन्होंने कहा था कि
ये बेवकूफी है लेकिन मैं इसे करना चाहता हूँ। साल 2013 में आई इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। फिल्म की कहानी के साथ साथ सैफ की कॉमेडी और एक्शन दोनों को ही काफी पसंद किया गया था। गो गोवा गॉन 19 करोड़ के बजट में बनी थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। गो गोवा गॉन सैफ अली खान के करियर के साथ ही कुणाल खेमू, पूजा गुप्ता, वीरदास और आनंद तिवारी के करियर को भी एक नई दिशा मिली थी। ये उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है। अब देखना ये होगा कि अब देवरा फिल्म हिट होती है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। एनटीआर को कहां करा गया स्पॉट, क्या कहा यूजर्स ने सोशल मीडिया पर, देवरा फिल्म में कब हुई थी चेंजेस। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर किसी अलग पहचान के मोहताज नहीं है। हाल ही में जूनियर एनटीआर की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर के सुपरहिट सॉन्ग नाटू नाटू ने ऑस्कर का खिताब जीता है। उसके चाहने वाले की कोई कमी नहीं है। जूनियर एनटीआर के फैंस उन्हें बेहद प्यार करते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। अपने दादा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे जूनियर एनटीआर को देख फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में जूनियर एनटीआर को सफेद कपड़े पहने और अपनी टीम के साथ शताब्दी समारोह में जाते हुए देखा जा सकता है। फैंस की भीड़ ने उन्हें देखा और सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते भीड़ बड़ी हो गई और जूनियर एनटीआर के लिए चलने तक की जगह नहीं बची। जैसे तैसे करके एनटीआर ने भीड़ को पार किया। भीड़ ने सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज कर दिया। कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट किया और प्रशंसकों को उनके व्यवहार के लिए फटकार लगाई। बता दें वो फिल्म देवरा में नजर आएंगे। 20 मई को दिग्गज एक्टर, दमदार राजनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नंद कुमारी तारक रामा राव का शताब्दी समारोह मनाया गया। रजनीकांत और चंद्र बाबू नायडू से लेकर राजनीति और सिनेमा जगत के लोग इस समारोह में शामिल हुए थे। ऐसे में जूनियर एनटीआर का ना आना हर किसी को चौंका रहा था। 20 मई को ही जूनियर एनटीआर का जन्मदिन था। ऐसे में उनका समारोह से दूर रहना सभी को खटक रहा था। देवरा फिल्म की कहानी को लेकर काफी दिनों से तेज चर्चा है। हालांकि अभी तक फिल्म को लेकर कहानी का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी वॉर हीरो की है। फिल्म के पोस्टर में जूनियर एनटीआर का लुक काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और साथ ही साथ फिल्म का पोस्टर भी 19 को रिलीज हो गया था। जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म में हमें सैफ अली खान और जानवी कपूर मुख्य किरदारों में नजर आने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि दोनों एक्टर्स का लुक और रोल के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। हाल ही में जूनियर एनटीआर भारत समेत पूरी दुनिया में छाए रहे। अब देखना यही होगा कि ये फिल्म आरआरआर की तरह सफल होती है या फिर ढेर हो जाएगी फ्लोर पर। तो दोस्तों इस पर आप क्या हुआ था जानवी के शुरुआती दिनों में, क्या होगी देवरा फिल्म की कहानी, क्या है जानवी की फीस। बीते कुछ सालों से कम ही बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पा रही हैं। बॉलीवुड की कमजोर कहानियां कहे या फिर लोगों का रुझान, इन दिनों बॉलीवुड के सितारे कुछ ठीक नहीं चल रहे। इसके ठीक उल्टा साउथ इंडस्ट्री की फिल्में ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में कमाल कर रही हैं। फिल्म की कहानी को लेकर काफी दिनों से तेज चर्चा है। हालांकि अभी तक फिल्म को लेकर कहानी का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी वॉर हीरो की है। फिल्म के पोस्टर में जूनियर एनटीआर का लुक काफी पसंद आ रहा है। फिल्म को लेकर पहले ही कहा गया था कि 19 मई को पोस्टर रिलीज कर दिया जाएगा। जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म में हमें सैफ अली खान और जानवी कपूर को मुख्य किरदारों के लिए कास्ट किया गया है। हालांकि दोनों एक्टर्स का लुक और रोल के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। हाल ही में जूनियर एनटीआर भारत समेत पूरी दुनिया में छाए रहे। एनटीआर की फिल्म आरआरआर ने ऑस्कर में अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। अब जूनियर एनटीआर भी ग्लोबल स्टार बन गए। एनटीआर की फिल्में पहले से ही काफी पसंद की जा रही थी। अब जल्द ही एनटीआर फिर से एक्शन में नजर आने वाले हैं। दर्शकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। वहीं फिल्म का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
एनटीआर के फैंस ने पोस्टर को अपने अकाउंट्स पर शेयर किया है। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर को शुरुआती दिनों में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। कई बार कहा गया है कि उन्हें स्थापित करने के लिए पिता बोनी कपूर ही हर फिल्म में पैसा लगा रहे हैं। इन सब बातों ने जाह्नवी को खासा परेशान किया, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस रखा। इस फिल्म में जाह्नवी कपूर को भी लीड रोल में कास्ट किया गया है। साथ ही फिल्म के लिए शुभकामनाएं भी दी है। जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट भी घोषित कर दी जाएगी। बीते कई समय से जाह्नवी कपूर साउथ की दुनिया में कदम रखना चाह रही थी, लेकिन बात नहीं बन रही थी। फिर जाह्नवी के हाथ जूनियर एनटीआर की मेगा बजट मूवी हाथ लगी। अब इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही है। फीस की बात करें तो जाह्नवी को पहले साउथ मूवी के लिए श्रद्धा कपूर के बराबर अमाउंट मिल रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना? क्या कहा जाह्नवी ने देवरा फिल्म को लेकर? कब रिलीज होगी देवरा फिल्म? कितनी है जाह्नवी की इस फिल्म की फीस? लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने फिल्मों में हिंदी मूवी धड़क से डेब्यू किया था। इसके बाद से वो अभी तक कई वेब सीरीज और फिल्मों में काम कर चुकी है। इन दिनों वो बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स में बिजी है। ऐसे में अब वो जल्द ही तेलुगु डेब्यू भी करने जा रही है। इसके लिए एक्ट्रेस काफी एक्साइटेड है। बता दें कि जाह्नवी जल्द ही जूनियर एनटीआर के साथ देवरा फिल्म में नजर आने वाली है, जिसकी रिलीज डेट अब सामने आ चुकी है कि 5 अप्रैल 2024 को ये फिल्म रिलीज होगी। अब इस फिल्म के कुछ सीन्स बाकी रह गए हैं जो अभी शूट हो रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर भी कुछ समय पहले रिलीज करा गया था, जिसमें जूनियर एनटीआर का लुक बहुत ही ज्यादा कूल दिख रहा था, जो उनके फैंस को बहुत पसंद आया था। जाह्नवी ने हाल ही में टॉलीवुड में एंट्री करने को लेकर कहा है कि वो हिंदी के बाद तेलुगु में काम करने के लिए एक्साइटेड है। उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उन्होंने डायरेक्टर कोरताला सेवा को कई बार मैसेज किया। वो मूवी की शूटिंग के दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। जाह्नवी कहती है कि वो हर दिन जूनियर एनटीआर के साथ काम करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। एक्ट्रेस ने कहा कि उनका बरसों से देखा हुआ सपना पूरा हो रहा है कि वो जूनियर एनटीआर के साथ काम कर रही है।